الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون <applause> وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك अलन नबी सल वसम न मतानी मक़बून फ़ीहा कसीरुबिन असतफ़रा मजीद की आयत और नबी सल्ह वसलम की चन्हादीस पड़ी हैं अल्लाह तुआ है अल्लाह ती सही तरह से बात कहने की सुनने की समझने की और फिर अल्लाह तमल की तोहफ़ी गता फ़रमाए जब से रमज़ान में गला बैठा है तो सेटिंग पर आई नहीं रहा आता आंशा सेटिंग पे आ जाएगा अल्लाह ने चाहा ये जो मैंने कुरने की आयत पढ़ी है अक्सर बयान में मैं पढ़ता हूँ या हूं काफ़ा ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ आपने शायद ही कोई बयान देखा हो जिसमें मैंने ये आयत ना पढ़ी हो उसकी वजह क्या है कि ये मैं जब बयान करता हूँ तो उमूमन मेरा ख़िताब मुसलमानों से होता है जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं यहाँ भी जितने लोग बैठे हुए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए आए हैं जाहिर है सारे वही हैं जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं तो इस्लाम में क्यों नहीं हुए होंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने हैं अक्सर के सर पर टोपी आएँ बाकी रिपोर्टें आप खुद जानते होंगे सारी अलामतें इस्लाम वाली हैं तो हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं जो इस वक्त बयान सुनने के लिए बैठे हुए हैं भाई इस्लाम में तो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हैं तो मसला हमारा ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं हैं। मसला हमारा ये है कि पूरे दाखिल नहीं हैं इसलिए अल्लाह ते जो आयत मैंने पढ़ी है या आयुदीना आ मनुद दाखिल हो जाओ फिसमी इस्लाम में अगर इतना ही होता आगे फुल स्टॉप होता तो हम कहते हैं अल्लाह हम और कहाँ दाखिल हुए हुए हैं हम कलमा पढ़ते हैं ख़त्म नबूत के कायल हैं तौहीद के कायल हैं तो हम तो इस्लाम में दाखिल हैं ना इसलिए अल्लाह ने फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगाया आगे फरमाया का फतन पूरे दाखिल हो जाओ देखो जब किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है अक्सर वो ऑर्डर उस वक्त दिया जा रहा होता है जब सामने वाला उस ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा होता तो ऐसा से साफ पता चलता है हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं हैं। हमारा मसला ये है कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल बोलो नहीं हैं। कितने दाखिल हैं भाई मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, थू ये वाले दाखिल हैं ये वाले इस्लाम में हम दाखिल हैं वो एक बिदती मौलवी साहब थे ना बीमार हो गए तो किसी ने कहा इनको नीम के पत्ते कड़वे वो पिलाओ वो आँख ही नहीं खोल रहे ना आंखें बंद उनकी बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही थी किसी ने कहा अनार का जूस निकाल के पिलाओ आँख ही नहीं खुल रही मुख्तलिफ लोग मशवरे दे रहे हैं किसी ने कहा कि ये खिलाओ संतरे का जूस पिलाओ किसी ने कहा कि भाई लींबू टपकाओ एक ने मशवरा दिया इनको दूध जलेबी खिलाओ एकदम उनकी एक आँख खुली ना ऐसे करके ऐसे खुली ये कौन बोल रहा है <laughs> अच्छा किसी ने उसकी सुनी नहीं दूध जलेबी वाले की फिर किसी ने कहा भाई करेले का जूस पिलाओ कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है फिर वो कह रहे हैं भाई दूध जलेबी खिलाओ तो फिर दूसरी आंख भी खुल गई जब तीन चार दफा हुआ ना तो फिर मौली साहब ने कहा भाई इसकी भी तो सुनो ये क्या कह रहे हैं? इसकी भी तो सुनो सारे अपनी अपनी बोले जा रहे हो तो हमारी भी एक आंख खुलती है जब हमें इस्लाम में अपने आप को कोई फेवर हमें मिल रहा होता है जब हमें कोई फेवर मिल रहा होता है तो इस्लाम हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है अदालती खुला में तो बहुत हो रहा है ना अब बेगम ने कोर्ट से खुला लेके चली गई आप कितने सेकुलर कितने लिबरल हो आप इस्लाम को कभी आपने फॉलो ही नहीं किया जाओगे आप मुफ्ती के पास मुफ्ती साहब अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू तो इस्लाम अकॉर्डिंग टू तो शरिया ये खुला कंसीडर है वैलिड है या नहीं है अबे तू कब से मौलवियों को पूछने लगा भाई आज तक तो कभी किसी मसले पे आपने मौलवियों से फतवा नहीं लिया कभी भी नहीं आपने पूछा चलो गनीमत है पूछ रहे हैं हम उनको भगाते नहीं है फतवा हम दे देते हैं कि क्या है क्या सही है क्या गलत है लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे होते हैं जिन्होंने कभी भी किसी मौलाना को लिफ्ट बोलो नहीं कराई होती क्यों उनको पता है भाई इस्लाम इस मौके पे किसे फेवर कर रहा है मर्द को फेवर कर रहा है यक तरफा खुला में औरत की बात नहीं मान रहा सिवाय चंद कंडीशन के रफ़ी भाई को बहुत गुस्सा आता है ऐसी बात पे। रफ़ी भाई एक दिन मुझे कहने लगे आप जो कहते हो कि अदालत खुला नहीं दे सकती शौहर ही बीवी को तलाक दे सकता है तो जो औरत नहीं रहना चाहती वो क्या करे फिर ये इनका सवाल था और एक दफ़ा नहीं दस दफ़ा इन्होंने मुझसे कहा होगा ये कि जो नहीं रहना चाहती वो क्या करे मैंने कहा शौहर बेसिक हकूक अदा कर रहा है नान नफका जो बेसिक है हाँ जी दे रहा है तो कह रहे नहीं वो नहीं रहना चाहती शोर तलाक भी नहीं दे रहा तो वो क्या करे मैंने कहा उसको नहीं रहना चाहती का उसके पास ऑप्शन नहीं है उसको रहना पड़ेगा कह रहे नहीं जब वो नहीं रहना चाहती मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता ना बीवी है तो आपको रहना पड़ेगा शादी से पहले सोचना चाहिए था ना फिर जब समझ ही नहीं आ रहा फिर मैंने इनसे कहा अच्छा मुझे रफी भाई एक बात बताओ एक आदमी की बीवी के छह बच्चे हो गए तीस साल जिंदगी गुजार ली उसने शोहर के साथ शोहर ने इसी उम्मीद पे रखा उसको कि मेरे बच्चों की माँ है गुजारा किया उसके साथ खिलाता रहा पिलाता रहा खर्च करता रहा अब उसको पसंद आ गया वसीम के अलावा कोई और आदमी वसीम मैं इसलिए नहीं कह रहा वो किसी ने कहा कि बार बार वसीम का नाम ना लें आप अब वो कह रही है मैं नहीं रहना चाहती तो शोहर कहेगा ये पहले दिन बोल देती ना तीस साल के बाद तू बोल रही है कमबख्त मेरा भी टाइम वेस्ट किया तूने अगर मुझे पहले पता होता तीस साल के बाद तू पतली गली से निकल जाएगी तो फिर मैं तुझ पे इतना खर्च करता इतनी इज्जत देता इतने बच्चे पैदा करता तुझसे बच्चे भी नहीं पैदा करता लेकिन यह बात फिर भी रफी भाई के समझ में <laughs> नहीं रही वो यही मुस्रें जब वो नहीं रहना चाहती वो नहीं रहना चाहती तो आखिर बात यही है कि भाई इस्लाम के जो ऑर्डर हैं आपकी अकल माने या ना माने आपने उसको फॉलो करना है ये मेरा मज़हब नहीं है यूनाइटेड नेशन का लॉ नहीं है कि लोगों की अक्सरीत को अगर ये लॉ पसंद नहीं आ रहा या जमहूरी हुकूमत नहीं है अल्लाह का कानून का कि लोगों की अक्सरीत को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अक्सरीत की बेस पर कानून को चेंज कर दिया जाए अल्लाह ताला का कानून उसका इम्प्लीमेंट होता है उसमें अल्लाह को मशवरे नहीं दिए जाते तभी ओसूल फिका में ये बात पढ़ाई जाती है आज कल के इस्कालसूल फिका पढ़ते ही नहीं हैं नाम से भी वाकिफ नहीं हैं ूल फिका कहते हैं कि कुरान हदीस से जब मसाइल निकाले जाएंगे तो किन उसूलों की बेस पे मसाइल अखज किए जाएंगे ये बहुत अहम चैप्टर है मुफ्ती के लिए यह ज़रूरी है कि वह ल फ़ा पढ़े सदियों पहले फ़ाह ने यह कुरान सुन्नत ही से मुरतब किए हैं उन उसूले फिका में जो सबसे अहम तरीन चीज़ पढ़ाई जाती है कि इजतहाद जो मुजतहद करेगा वो कभी भी नस के खिलाफ नहीं होगा नस किसे कहते हैं कुरान की आयत या पैगम्बर की वाज हदीस अगर मौजूद है उस बारे में तो आपको फिर उसके खिलाफ इजतहाद करने की इजाज़त बोलो नहीं है इजतहाद उन मसाइल में होता है जहाँ कुरान सुन्नत खामोश हो फिर उसमें भी वो बेलगाम इश्हाद नहीं होता उसमें भी इश्तिहाद के कुछ उसूल और ज़ाबते हैं कि वो रिजल्ट उसका वो ना हो जो शरीयत नहीं चाहती है उसकी बहुत सारी मिसालें मैं दूंगा तो पूरा बयान का रुख चेंज हो जाएगा फिर वो इल्मी और खुश्क बातें बहुत से लोगों की कि मेंटल लेवल से ऊपर की होती हैं आजकल के स्कॉलर्स जो इश्तेद कर रहे हैं ना वो ऐसा इश्तहाद है कि उसमें आप ये नहीं देख रहे कि कुरान सुन्नत क्या कह रहे हैं इजमाय उम्मत क्या कह रहा है उसमें यह है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही वो नहीं रहना चाहती वो नहीं रहना चाहती तलाक़ों के बाद भी यही होता है तलाक़ें दे देते हैं धड़ धड़ करके यार मुँह से निकल गई भाई उसका क्या कसूर है औरत का भाई इसमें औरत के कसूर पर शरीयत ने हुक्म का मदार बोलो नहीं रखा है औरत का कसूर हो या ना हो मर्द की जबान से तलाक निकलेगी निका क्या हो जाएगा ख़त्म अब आपको समझ में ये हुक्म आए या ना आए तो इससे ये नहीं होगा कि वो शरीयत का हुक्म चेंज हो जाएगा अभी एक मसला सामने आया कि थोड़ा सा हया के खिलाफ है मसला लेकिन अक्सर मैं बयान में बताता हूँ ना दामाद और सुसास का अल्लाह ना करे कोई फिजिकल रिलेशन हो जाए उसमें काफ़ी डिटेल है तो ये सास की बेटी इस दामाद पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है इसी तरह अल्लाह ना करे बहू और सुसर का कोई फिजिकल रिलेशन हो जाए तो ये बहू इस सुसर के बेटे पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है बाज स्कॉलर कह रहे हैं इसमें उस बहू का क्या कसूर है भाई रिलेशन हुआ दामाद और सास का हराम कौन हो रही है बहू हो रही है निका किसका खत्म हो रहा है बहू और दामाद का ना दामाद का अल्लाह ना करे अपनी सास से कोई रिलेशन हो गया तो हम हराम कौन ये इस सास की बेटी पे ये शौहर क्या हो जाएगा इसका तभी हम लोगों को मशवरा देते हैं कि सास या सुसर बहू के लिए अपने सुसर सुसर से रिजर्व रहना लाजिम है इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकती कि वो ससर से हैंड शेक हो रहा है और गले मिल रहे हैं जी मेरी बहू जनाब हज करके आ रही है तो सुसर साहब एयरपोर्ट पे उससे गले मिल रहे हैं या सुसर साहब हज करके आ रहे हैं तो बहू उससे गले मिल रही है या हैंडशेक हो रहा है हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते तो यहां भी लोग इश्काल करते हैं कि भाई गलती उनकी है सजा किसको मिल रही है तो उनसे मैं कहता हूं कि तलाक इकट्ठी मर्द तीन निकाल देता है तो गलती औरत की है या मर्द की बोलते क्यों नहीं मर्द की है तो सजा किसको मिल रही है देखने में सजा किसको मिल रही है औरत को मिल रही है घर उसका उजड़ रहा है इसका भी उजड़ रहा है उसका भी तो उजड़ रहा है आपको अकल इस्तेमाल करने की इजाजत है वहां जहां शरीयत के वाज अहकाम मौजूद नहीं है जहां शरीयत का ऑर्डर मौजूद है तो फिर वहां अपनी अकल से आप अहकाम को चेंज नहीं कर सकते वहां आपको हथियार डालने पड़ेंगे इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं अकल का एक दायरा कार है अब देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा वलातन के हो मां न कहा आबाकुमिनफ तुम्हारे बाप ने जिस औरत से निकाह कर लिया तुम उस औरत से कभी भी निकाह बोलो नहीं कर सकते अरबी में निकाह का लफ्ज निकाह के माने में शादी के माने में भी इस्तेमाल होता है और किसी औरत से फिजिकल रिलेशन के माना में भी इस्तेमाल होता है तभी हदीस में आता है इस नूकई इन इल्ला निका हाइजा औरत से सब कुछ कर सकते हो निकाह नहीं कर सकते यानी भाईजा बीवी से तो यहाँ निकाह का क्या मुराद है वो तो पहले से बीवी है आपकी मतलब ये है कि जो औरत आपकी बीवी हैज़ में है आप उससे हम बिस्तरी बोलो ना नहीं कर सकते तो निकाह का लफ्ज अरबी में हम बिस्तरी के माने में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में शादी के माने में भी इस्तेमाल होता है कुरान कहता है कि तुम्हारे बाप ने जिस औरत से निकाह किया अब यहाँ निकाह का मतलब क्या है दोनों मतलब है इसके शादी भी या फिज़िकल रिलेशन भी किसी एक मतलब पर हमारे पास वाज करीना मौजूद नहीं है जब नहीं है तो निकाह के लफ्स को आम लिया जाएगा समझते हैं कि नहीं समझते तो अब अगर किसी शख्स ने किसी औरत के साथ आपके बाप ने किसी औरत के साथ फ़िज़िकल रिलेशन कर लिया तो कुरान कह रहे है, ये औरत आप पर हलाल बोलो नहीं है अब चाहे जबरदस्ती किया हो इसमें औरत का कसूर हो या ना हो यह कुरान ने शर्त बयान नहीं की है चाहे वो औरत क्यों ना हो यह भी कुरान ने नहीं बयान किया अब आपकी बीवी के साथ अल्लाह ना करे आपके वालिद का फिजिकल रिलेशन हो गया तो कुरान तो कह रहे है, जिस औरत के साथ रिलेशन हो गया ना अब तुम उससे निकाह नहीं कर सकते हुआ हुआ है तो इसका मतलब वो, वो हराम हो गई आपके ऊपर तो आज स्कॉलर बैठे हुए दे दनादन दन फतवे फतवे कि इसमें औरत का क्या कसूर है औरत का क्या, क्या भाई कुरान ने यह बयान किया कि कसूर है या नहीं है बाकी इसमें हमते हैं इस्लाम में देखो कानून दुनिया में जब भी बनाया जाता है चंद लोगों के मफाद को सामने रख के नहीं बनाया जाता कानून हमेशा मेजोरिटी के उद्योग के बनाया जाता है समझते हैं कि नहीं समझते बासी कानून से चंद लोगों को नुकसान हो रहा होता है लेकिन मेजॉरिटी उस नुकसान से बच रही होती है अल्लाह को मालूम था कि जब मुस्लिम सोसाइटी में इस कानून का इंप्लीमेंट होगा कि सुसर दामाद सुसर बहू का रिलेशन रिश्तों को हराम कर देता है सास दामाद का रिलेशन रिश्ते को हराम कर देता है तो चंद औरतों पे तो हो सकता है जुल्म हो जाए उनके कसूर के बगैर निकाह खत्म हो लेकिन मेजॉरिटी इस रिलेशन से हमेशा के लिए बच जाएगी उनको खतरा होगा कि भाई ये बचा के रखो अपनी बेगम को अपने अब्बा से रिजर्व रहने दो क्योंकि मेरे निकाह पे इससे क्या होगा तभी तो मुस्लिम सोसाइटी में पाकिजा मुआशरा है कि लोग डरते हैं वही ऐसा ना हो कि बेहतियाती में हमारा रिश्ता आपस में क्या हो जाए खराब हो जाए तलाक़बान से मर्द निकालता है रिश्ता औरत का खत्म होता है चंद औरतों का ख़त्म होता है मेजॉरिटी को जब पता चलता है ना कि गुस्से में तलाक देने से भी हो जाती है और ये रिवर्स गेयर नहीं है तो मेजॉरिटी तलाक के लफ्ज के से खेलने से बचती है यही कानून बहुत सी औरतों को तहफुज देता है क्योंकि औरत को तलाक के लफ्ज़ से जितनी तकलीफ होती है किसी चीज़ से नहीं होती जब बार बार तलाक तलाक करेंगे तो वो बोले भाई तू रख रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता मुझे पता नहीं इसका क्या भरोसा कल छोड़ दे आज छोड़ दे वो वफा थोड़ी करेगी आपके साथ मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात तो इसलिए इस्लाम के जो हकाम है ना वो आपकी अकल जहां से ख़त्म होती है ना वहां से अल्लाह हम सबसे ऊपर है वो बहुत ऊपर तो चंद लोगों को नुकसान होता भी है मेजॉरिटी उस नुकसान से बच जाती है वरना आप देखो जिन माशरों में इन असूलों पर अमर नहीं अम, अमल नहीं है गैर मुस्लिम सोसाइटीज़ में आपको वहाँ बहुत बुराइयाँ नजर आएंगी, वहाँ बहुएँ बहुत सारी बहुएँ सुसर के फितनों से महफूज बोलो नहीं हैं बहुत से दामाद सासों पर गलत नज़रें डालते हैं इस्लाम ने एक पाकिज़ा मुआरत तश्ल किया है कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी है इसकी माँ को माँ की हैसियत से देखना है किसी और तरह से तुम्हें इस औरत पर नज़र डालने की इजाज़त नहीं है रिजर्व रहना है इसलिए वलमा कहते हैं जब आप जाए ससुराल सास से सर पे हाथ रखवाएं बस इतना काफी है बहू के सर पे सुसर हाथ रखे बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और इसमें जान के हो या गलती से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाज स्कॉलर ने ये इसका भी मजाक उड़ाया गलती से जी पता ही नहीं चला उसको वो घर पे आया एक मशहूर ज़माना स्कॉलर है उसका काम ही फेंकना है लंबी लंबी घर पे आया तो पता ही नहीं चला बहशती जेवर का मसला है ना कि बीवी है या बेटी सो रही है और बीवी समझ के उससे रिलेशन कर लिया तो पता चला वो तो बी बेटी से रिलेशन हो तो बेटी की माँ हराम हो जाती है तो वो तो कह रहे हैं अब उसका क्या कसूर है वो कम वक्त तुझे पता नहीं था कि तू बिस्तर पर आके लेट रहा है तुझे इतना होश नहीं है कि चेक कर ले कि बीवी है कि बेटी है इतना फेवर दे रहे हैं उसको क्या है बेचारे को तो पता ही नहीं चला तो उस बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है कि उसकी बीवी उस पर हराम हो रही है बेचारा नहीं है वो एक नंबर का बेशरम इंसान है कि जिसको यही नहीं पता कि घर में जब दाखिल होते हैं तो गधों की तरह दाखिल नहीं होते इंसानों की तरह घर में दाखिल होते हैं इंसानों के यहाँ ये फर्क होता है उसको पता होता है कि बेटी कौन है और बीवी कौन है समझते हैं कि नहीं समझते हैं तो इसलिए ये हरमत मुसाहरा का मसला कहलाता है इसका कुरान ने भी जिक्र किया है फिर सहाबा से भी साबित है तबीन से भी साबित है तो खैर हम अपनी बात लेके चलते हैं तो कुछ मसाइल बीच में आ जाते हैं ताकि अपने रिश्तों को ख़राब ना करें और ये नए नए स्कॉलर्स की बातों में ना आए अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तहु की बांदी थी तो वो जब बांदी के करीब गए तो फिर इरादा हुआ कि मैं इस बंदी को हिबा कर देता हूँ अपने बाप को हजरत उमर को तो गिफ्ट में दे देता हूं हजरत उम्र ने फरमाया अब ये मेरे लिए हलाल नहीं है बेटे ने जब तो बहू की तरह हो गई ना अगर अगरचे बांधी है वो बहू नहीं है लेकिन यह इस्लाम एक गैरत का निजाम सिखा रहा है भाई ये क्या बात है कि एक औरत से पहले एक मर्द फायदा उठाता रहा अब उसका बाप भी उससे फायदा उठाए ना 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 बाप की नजरों में अब वो बेटी की नजर तो उस पर डाल सकता है बेटी के अलावा कोई और नजर अब वो उस पर बोलो नहीं डाल सकता ऐसे कितने केस आए हैं हमारे पास तो मसाइल दिन भर आते रहते हैं कि एक आदमी ने गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी उससे रिलेशन भी होता रहा अब वो गर्लफ्रेंड से जो है ना खुद शादी नहीं कर रहा उसका बाप शादी कर रहा है तो गैर मुस्लिमों में तो शायद इसको बुरा ना समझा जाता हो इस्लाम में इसकी इजाज़त बोलो नहीं है बाप शादी कर रहे हैं ऐसे भी केस आए हैं कि गर्लफ्रेंड थी तो गर्लफ्रेंड की अम्मा जो है वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है ये बेगैरती है या नहीं एक नंबर की कि तुम्हारी बेटी के जिससे फिजिकल रिलेशन रहा अब उसी मर्ज से तुम शादी कर रही हो तो जिनके यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं आजकल लोग बहशती जेवर के मसाइल का कि बहशती जेवर में ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है तो ये वो लोग हैं जिनको ना कुरान और सुन्नत का पता ना हदीस का पता अभी मैंने खुला पे के लिए रिकॉर्ड करवाया था ना डिटेल में तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि प्रॉपर इल्म हासिल करना एक अलग चीज़ है और चंद किताबें पढ़ के कोई स्कॉलर बन जाना एक अलग चीज़ है खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो मैं यस कर रहा था कि देखो भाई अल्लाह मिया ने हुक्म दिया उद खलूफ बोलो काफा दाखिल हो जाओ इस्लाम में मुकम्मल जब मुकम्मल दाखिल होंगे तो हमारा मसला ये है कि हम इस्लाम में दाखिल तो होते हैं मगर कम्प्लीटली दाखिल नहीं खुला के केस में एक और मेरे जहन में वाक्य आया एक खातून ने खुला लिया ने बताया कि ये खुला कलदम है बाद में धक्के खाती रहीं कोई रिश्ता उनको नहीं मिला उसके बाद पुराने वाले से रबता किया और फतवा ले रही हैं हमसे कि हमने सुना है कि ये अदालती खुला मतबर नहीं है मैंने कहा कि सुना तो हमने भी ऐसा ही है लेकिन जब आपने चंद साल पहले खुला लिया था उस वक्त भी आपको रबता करना चाहिए था कि ये खुला हुआ है कि नहीं हुआ उस वक्त उनका ख्याल था कि जो क्योंकि आज कल शादी शुदा को मर्द चिकनी चपड़ी बातें करके वरगलाते हैं तलाक़ें दिलवाते हैं उसके बाद ठेंगा दिखा देते हैं मर्द को पता होता है जो अपने शोहर की नहीं हुई वो मेरी कहां होगी कल किसी कोई और पसंद आएगा तो वहां चली जाएगी चंद दिन पहले किसी ने बताया कि कोई टिकटॉकर लड़की थी उसको बड़े किसी करोड़पति से शादी हो गई उसकी शादी की बेस ही करोड़ों रुपए तो बाद में कोई अरबपति मिल गया तो पुराने वाले को क्या किया उसने टाटा आजकल वो सड़के नापता फिर रहे मखिया मार रहा है समझते हैं कि नहीं समझते खैर तो भाई उद खुलूफ सिली का फा अल्लाह कहते हैं इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ तो इस्लाम में मुकम, मुकम्मल दाखिल होने में आपकी अकल को वो हुक्म समझ में आए या ना आए तो भी आपने फॉलो करना है आपको वो हुक्म फेवर दे रहा है या आपके अगेंस्ट जा रहा है तो भी आपको फॉलो बोलो करना है मिसालों पे मिसालें जहन में आती हैं क्या करें यार तो अच्छा है मिसालों जितनी मिसालें हकीम मौलाना शरफ अली थान भी रहम् फरमाया करते थे कि शरीयत के हुक्म के आगे मसलहतों को मसाले की तरह पीस डालो मसलहतें होती हैं ना कह रहे हैं एक्चुअली असल में अगर हमने ये फतवा ले लिया तो एक्चुअली इसका ये नुकसान है इसमें ये हमत है ये मसलहत फौत हो जाएगी भाई अगर कुरान सुन्नत की वाज हदायात हैं तो मसलहत हो या ना हो ये मेरे और आपका काम नहीं है ये किसका काम है सोचना जिसने कानून बनाया है उसका काम है तो मसलहतों की ऐसी की तैसी भाई अल्लाह का हुक्म है ऐसी की तैसी मानना है हमने वो एक साहब को मैंने बताया कि बेटी का ना आधा हिस्सा है कई दफ़ा ये वाकया बयान कर चुका हूँ नए नए लोग आए हैं और वो कहने लगे लड़के का कितना है मैंने का दोगुना है कह रहे हैं यार ये अल्लाह या मियाँ ने बेटी को आ, पीछे क्यों रखा है हर मामले में औरत को अल्लाह ताला ने पीछे क्यों रखा हुआ है थे मुसलमान कोई गैर मुस्लिम होते तो मैं उनको बताता कि एक्चुअली कुछ हमत समझाता अव्वल तो समझाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को अल्लाह का हुक्म है भाई तू कलमा पढ़ा हुआ है तूने इस्लाम कबूल किया है तो ठीक है अगर तूने इस्लाम ही कबूल नहीं किया तो बता दे यार फिर हम तुझे समझाएंगे तो कहने लगे अल्लाह मियाँ ने आधा रखा है औरत को पीछे रखा है और मर्द को डबल दिया हुआ है तो मैंने कहा अगर मेरी अल्लाह मियाँ से मुलाकात हुई तो आपका मशवरा मैं अल्लाह ताला तक पहुंचा दूंगा कि अल्लाह हमारे महल में एक साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जब तू विरासत के अहकाम नाजिल कर रहा था उन साहब का नाम भी मेरी जबान पे मैं नहीं ला रहा ताकि किसी का रास पाश ना हो तो अल्लाह फ़लां साहब से तू पूछ तो लेता ना कम अज़ कम तूने ख़ुद ही क़ुरान में हुक्म दिया है कि जितने भी समझदार लोग हैं उनके मामला मशवरे से तय होते हैं कुरान में है ना वह अमरुहम शूरा बीना हूँ तो अल्लाह तुझे भी तो चाहिए था ना कि पब्लिक से थोड़ा मशवरा ले लेता क्या करें यार बातों से बातें निकलती हैं तो जबकि ये लोग ना दे आधा भी नहीं रहे होते जितना बनता है ना मुझे पता था उसने दिया उतना भी नहीं होगा जैसे गैर मुस्लिम लोग इस्लाम के विरासत के हुक्म पे बहुत एतराज करते हैं कि देखो इस्लाम ने आधी विरासत दी औरत को लड़के को दुगनी दे दी हकीकत यह कि यह आधी भी नहीं देते लड़की को यह पूरी कुत्तों को दे देते हैं चैरिटी में डाल देते हैं औलादों को विरासत से महरूम करते हैं समझते हो कि नहीं समझते जो ज्यादा फंडर बनता है ना ज्यादा बहुत ज्यादा अखलाक अखलाक की बात कर रहा होगा तो अक्सर आप देखेंगे उसी के पास अखलाक नहीं होते पे ऐतराज कर रहा होगा कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं तो फंटरगिरी अल्लाह को पसंद बोलो नहीं है उन्हीं अहकाम में कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनको हम इसलिए फॉलो नहीं करते कि अगरचे वो हमारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट नहीं है लेकिन हम उनको इस्लाम का हुक्म ही नहीं समझ रहे होते देखो नमाज इस्लाम का हुक्म है ये बच्चे बच्चे को पता है ये बात सबको पता है ना कि नमाज इस्लाम का हुक्म है जक़ात इस्लाम का हुक्म है सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है रमज़ान के रोजे इस्लाम का हुक्म है सबको पता है ना ये इस्लाम में कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक है खालिस इबादत से वो अल्लाह और बंदे के दरमियान क्या है बाद जैसे नमाज जकत हज रोजा इन अहकाम की लॉजिक समझ में आए या ना आए लोग फिर भी इनको फॉलो करते हैं किसी हद तक हम जाते हैं हज में कंकरियां मारते हैं शैतान को हालांकि वहाँ शैतान मौजूद बोलो नहीं है बस अल्लाह का हुक्म है भाई यहाँ क्या मारो लोग उस पिलर को शैतान समझ रहे होते हैं वो पिलर शैतान नहीं है भाई वो तो सऊदी हुकूमत ने निशान लगा दिया ताकि इधर उधर कंकरियाँ ना मारें लोकेशन है जिस पे कंकरियाँ मारनी होती हैं वरना लोग ऐसा ना हो अपना गुस्सा निकालते किसी और पे मारते बंदे को बोलते मैं समझ रहा था कि यहाँ शैतान है तो सऊदिया ने एक निशान लगा दिया छोटा शैतान बड़ा शैतान दरमियाना शैतान तो वो छोटे बड़े दरमियाने भी इसलिए कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो तीनों शैतानों का साइज एक जैसा होता पिलर का साइज तो बाजवा भूल जाता है इंसान इसकी लॉजिक समझ में आए ना आए हम क्या करते हैं भाई फॉलो करते हैं मसला आता है मामलात में जहां मामला आएंगे ना वहां हर आदमी को चाहिए एक घंटा मुफ्ती उसको बिठा के समझाया कि इसकी लॉजिक क्या है वरना मैं नहीं मानूंगा मामला की दो किस्में हैं देखो शरीय के दो अहकाम है ना एक इबादत जो अल्लाह और बंदे का बरह रास जिससे ताल्ल नमाज है ना रोजा है यह आपका और अल्लाह का इससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। पब्लिक का कोई लेना देना है इससे आपकी नमाज पढ़ने से अगले को क्या फायदा यह आपका और खालस अल्लाह का मामला है इस्लाम चूंकि दीने फितरत है एक मुकम्मल जबता हयात है, है। इस्लाम ने आपस के रिलेशन आपस के रहन सहन के भी असूल मुतन किए हैं और उन असूलों की बेस ये है कि कोई किसी पर जुल्म ना करे और जुल्म की डेफिनेशन अल्लाह ने ख़ुद बयान कर दी तभी अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया क्योंकि ये इंसानियत पे जुल्म है दुनिया सूद को हराम नहीं कहती वो कहती इसमें कोई जुल्म वाली बात है नहीं जब एग्रीमेंट करके हम उससे इजाफ़ी रकम ले रहे हैं तो इसमें और ख़रीदो फरोख़ में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन अल्लाह को मालूम था कि इस तरीके पर लोगों को ख़रीदो फरोख की अगर इजाज़त दे दी जाए तो मीषत बेअदाली का शिकार होती है गरीब गरीब से गरीब तर होता है अमीर अमीर से अमीरतर होता है एंड में गरीब का इस्तेसाल होता है जो कि नज़र आ रहा है हमें अपनी आग सामने बड़ी बड़े जो जनरल स्टोर बने हुए हैं ना जो मॉल बने हुए शॉपिंग आपका क्या ख्याल है ये बाप दादा से पैसा चलता हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनके पास ये अचानक बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा लेते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके खरबों रुपए कमाके खरबपति बन जाते हैं बैंक इनको क्यों देता है अरबों रुपए का कर्जा इसलिए कि बैंक समझता है कि मेरी रकम सेव हो रही है अरबों रुपए पे मुझे करोड़ों रुपए सूद के मिलेंगे अगर बैंक रिस्क पे आ गया ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे आपके साथ तो बैंक ये काम कभी भी नहीं करेगा एक ही आदमी के पास चंद लोगों के पास चंद सेकंड के अंदर अरबों रुपए आ जाते हैं पैसे की ये सर्कुलेशन क्या नेचुरल हो सकती है अबे क्या हो गया भाई हलाल तरीके से क्या एक आदमी अचानक अरबों रुपए ले सकता है किसी से बोलते क्यों नहीं हलाल तरीका क्या है मुजारबत या मुशारकत हलाल तरीका यह होगा कि एक आदमी जाएगा एक अरब पति के पास बोलेगा तू मुझे एक अरब रुपए दे दे मैंने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना है जब मैं बनाऊंगा तो अगर नुकसान हो गया तो वो टोटल तेरा नुकसान है क्योंकि इस्लाम में टोटल नुकसान इन्वेस्टर का होता है जो काम करने वाला है उसकी सिर्फ मेहनत जाया होती है समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है प्रॉफिट हुआ तो जितना मैं कमाऊंगा परसेंटेज के हिसाब से तुझे मिलेगा तो मैं अपना प्रॉफिट छुपा नहीं सकूंगा क्योंकि अगर मैं उसको एक करोड़ दे रहा हूं हमारा तय हुआ कि पचास फीसद तेरे पचास फीसद मेरे अब मैं उसको पचास करोड़ दे रहा हूं इसका मतलब मैंने कमाया कितना है एक अरब तो मैं अपनी आमदन छुपा पाऊंगा बोलते क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टर पे भी जुल्म नहीं है और जो मेहनत करने वाला है उस पर भी जुल्म नहीं है तो जब आप जाएंगे ना एक अरब रुपए लेने तो जो इन्वेस्टर है पहली बात वो एक अरब अचानक बैंक से लेके नहीं आया उसको तो किसी ने कर्जा नहीं दिया उसके सदियों से बाप दादा की मेहनत उनका बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया वारिसों में डिस्ट्रीब्यूट होते 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 कुछ इसके हिस्से में आया कुछ इसने मेहनत करके कमाया ये सदियों की बाप दादाओं की मेहनत है जो आज इसके पास एक अरब रुपए ऐसे बैठे बैठे अचानक इसके पास नहीं आ गया और उस मेहनत के नतीजे में कितने लोगों का पेट भरा होगा ना कितने लोगों को मुलाजमत मिली होगी थोड़ी टेक्निकल बात है मैं जल्दी से समेट के बस आगे चलता हूं मैं आप लोग करूं ये क्या मुस्ते साहब इकोनॉमिक्स पढ़ाने बैठ गए पहली बात तो वो देगा ही नहीं वो कहेगा भाई अगर प्रॉफिट नुकसान का खतरा है ना तो मैं ये रिस्क नहीं लेता वो छोटे कारोबार में तो लगा देगा जहां नुकसान का खतरा क्या हो कम हो तो पैसा इस तरह से सर्कुलेट नहीं होगा वो खुद मेहनत करेगा और अगर उसको मिल भी गया तो जितना जितना पैसा ये कमाएगा इन्वेस्टर का भी उसमें उसको पता रहेगा कि ये इतने कमा रहे है पैसे जितना प्रॉफिट इसका बढ़ेगा ना तो उतना ही इन्वेस्टर का जो मार्जिन है वो भी क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक आदमी अचानक अरबपति बन जाएगा बता ही नहीं रहा कि मैं कितने छाप रहा हूं सूद में क्या है भाई एक करोड़ पे ढाई लाख ले लिया करो बस दो लाख ले लिया करो मैं कितना कमा रहा हूं ये तुम्हारा एडिक नहीं है क्यों भाई तभी ये जो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं अगर सूदी कर्जे की इजाजत ना होती कंट्री में मुल्क में इजाजत ना होती तो छोटे दुकानदार तरक्की करते एक ठिया लगाते ठीए से फिर ठेले पर आते ठेले से फिर एक परचून की दुकान पर आते हैं और बिल आखिर मर जाते हैं फिर उनके बच्चे परचून की दुकान को आगे ले जाते दो की चार चार की आठ आठ की दस दुकानें होते होते सदियों से जो कारोबार करता आ रहा है ना आज उसके बड़े बड़े मॉल होते और वो भी विरासत में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते नहीं आई मेरा ख्याल बात समझ में पूरी दुनिया जो है ना आठ दस दौलतमंद है जिनके हाथ में है पता है आपको इस सूदी निजाम की लानत है तभी मेरा तो मामूल पता है क्या है मैं बड़े बड़े स्टोर से सौदा नहीं खरीदता एक दफा खरीदा है उसके बाद मैंने तोबा किया आप खरीदें मैं कोई नाजायज नहीं कह रहा ये जो बेचारा गली महल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है यार ये इसने कोई बैंकों से कर्जा नहीं लिया खून पसीना बहा के इसने खोखा लगाया है दुकान भी रेंट पर होती है अक्सर लोगों की मेहनत करके ला रहा है और मजे की बात है आपके घर पर पहुंचा देता है आप पांच रुपए बचाने के लिए यार इतना लंबा चक्कर चल के जाओगे फिर वहां घूमोगे और वो ऐसे ऐसी टोपियां करा रहे होते हैं आपको चीजें सस्ती होती हैं एक महंगा आइटम रखा हुआ होता है जिसमें वो एवा क्या हुआ मैं गया वहां किसी बड़े स्टोर में ना ये भी पंद्रह साल पुरानी बात है शॉपिंग शॉपिंग की बहुत सस्ता मस्ता एक चॉकलेट का भी हमने वो खरीद लिया पैकेट घर आके देखा उसका तो ठीक ठाक बिल बना हुआ है चॉकलेट का पता चला वो सारा पसीना कहाँ निकल गया हमारा <laughs> चॉकलेट में लोग कह रहे थे दाल सस्ती मिली तो मैं कोई नाजायज़ होने का फतमा नहीं दे रहा आप करें शॉपिंग जाएं लेकिन जो हमें पसंद है अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं यही गली महल में जो है ना इनको लिफ्ट कराया करो इनका बिल्कुल हक हलाल का होता है सही है ना बाप दादा की मेहनत होती है इन लोगों की इनको बैंक कर्जे देता भी नहीं है तो सूद पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई है तो अल्लाह ताला ये ये क्या है ये मामला का के अहकाम है शरीयत के इंश्योरेंस हराम है इस्लाम में अब आप देखो नमाज के बारे में जब बताओगे ना पांच नमाजें फर्ज हैं लोग लॉजिक नहीं पूछते कहते हैं, हाँ भाई हर मजहब में नमाज होती है इबादत होती है तो इस्लाम में भी है पांच क्यों है भाई अल्लाह का हुकुम है पांच है चुप हो जाएंगे लोग सूद का बोलो हराम है ना एकदम मिर्चे लगेंगी क्यों तो सारी दुनिया ही सूद पे चल रही है ये तो सबकी तनख्वाहें सूद पे जा रही हैं भाई ये कौन सा हरा भाई वो फिर गांधी साहब के फतवे तो आपको पता है वो बैठे हुए हैं हर चीज़ को हलाल करने के लिए एक्चुअली ये वो वाला सूद ही नहीं है वो वाला सूद तो कुछ और था किस्तों पर अगर आप पेनल्टी लगा के इजाफी रकम लेते हैं तो वो सूद नहीं है एक्चुअली 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 करके बड़ा ही गर्क कर दिया भाई किस्तों पे जब आप एक चीज़ तय कर लो ना उसी वक्त किस्तों पर चीजें महंगी होती हैं लेकिन उसी वक्त कीमत तय हो जाए फिर उसमें कमी बेशी जायज नहीं है कीमत तय होने के बाद आपने कहा लेट पेमेंट पे मैं इजाफी रकम लूंगा ये हराम है ना जायज़ है ये सूद है ये आमदी साहब ने इसका जवाब दिया सूद तो पैसों का पैसों के बदले में होता है ये जो इजाफी ले रहे हो ये तो आप उस चीज के बदले में ले रहे हो जनाब आपसे बात समझने में गलती हो रही है ये उस चीज़ के बदले में नहीं ले रहा अगर उस चीज के बदले में ले रहा होता तो देखो एक बाइक किस ए, कैश पे एक लाख रुपए की है किस्तों पे डेढ़ लाख रुपए की है आपने उसी वक्त तय कर दिया किस्तों पे लूंगा डेढ़ लाख की अब ये इजाफी पूरा उस बाइक के बदले में ही है हम इसको हलाल कहते हैं लेकिन वो डेढ़ लाख टाइम पे पे ना करे लेट होने की वजह से वो डेढ़ के दो होंगे तो ये बाइक के बदले में नहीं है ये उन पैसों के बदले में जो लेट पेमेंट है उसके बदले में पचास लग रहे हैं तो आपकी लॉजिक ही यहां खत्म हो गई ये पैसों के बदले में ही पैसे ले रहे हैं बाइक की कीमत जो थी वो तो तय हो चुकी है डेढ़ लाख अब जो इजाफी ले रहा है भाई ये जो डेढ़ लाख थे ना उस डेढ़ के बदले में क्या लिए जा रहे हैं लेट पेमेंट की वजह से पचास हजार इजाफी तो ये ये पैसों के बदले में इजाफी प्रॉफिट लिया जा रहा है ये बाइक के बदले में नहीं लिया जा रहा तो हमदी साहब ने जो इस तरह से सूद को हलाल किया है ना एक साहब मुझे कहने लगे मैंने फतवा ले लिया उनसे तो मैं क्या करूं मैं तो मजबूर हूं मैंने कहा भाई आपके लिए जब भी दुनिया में असूल है हर चीज़ के माहरीन से फतवा लिया जाता है आप कहो कि जी मुझे बीमार था और मैं बीसियों किस्म की बीमारियां थी मैंने तो वो जो एक साहब हमारे महल्ले में बैठे हुए हैं उनसे इलाज करा लिया मैं क्या करूं वो तो बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है तो क्या उसकी जबरदस्त बातों की बेस पे आपके लिए उससे इलाज कराना जायज़ होगा मर गए तो खुदकुशी का गुना होगा लोग कहेंगे भाई प्रॉपर वे में जब तक डॉक्टर नहीं है हकीम नहीं है आपके लिए उससे इलाज कराना जायज नहीं है तो जब तक कोई प्रॉपर आलिम ना हो आपके लिए उससे फतवा लेना जायज नहीं है चाहे वो कैसी कैसी मीठी बातें कर रहा हो तो सूद को इस्लाम ने हराम करार दिया उसमें अब लोगों का चूंके मजे खराब होते हैं पैसों की मोहब्बत है तो इतने दलाइल सारी दुनिया सूद खा रही क्यों खा रही है सारी दुनिया सूद भाई कहने देखो तनख्वाहें सबकी बैंकों से आती हैं भाई तनख्वाह बैंक से आने से वो तनख्वाह हराम थोड़ी हो जाती है सूद कहते किस को है रकम के बदले में जब आप इजाफी रकम लेते हैं ना वो इजाफी रकम सूद कहलाएगी बैंक से जब आप कर्ज़ा लेते हैं वो कर्जा थोड़ी सूद है सूद तो वो रकम है जो आप बैंक को देंगे तो सारी दुनिया कैसे सूद खा रही है बैंक खा रहा है सूद वो सूद खा रहे हैं आप इसी तरह मामला में जब इंश्योरेंस की बात करते हैं इस्लाम में पैसों के लेन देन के उसूल और जबते हैं मामला की दो बड़ी किस्में तीन किस्में उसूली तौर पर तो एक सियासत मदनिया जिसे कहा जाता है स्टेट के क्या अहकाम हैं रियासत के क्या अहकाम हैं एक है माशरत आपस के जो हमारे मामलात हैं फिर उसमें दो किस्में हैं एक पैसों के लेन देन में शरीय ने क्या हकाम दिए दूसरा रिश्तों के मामलात में निका तलाक के क्या हकाम हैं तो पूरा इस्लाम ने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है कहीं भी आप डंडी मारोगे ना अपनी चलाओगे तो इसका मतलब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते तो पैसों के लेन देन में इस्लाम ने हमें बाउंड किया है कि सूद वाले तरीके से आप पैसा बोलो नहीं कमा सकते गैर मुस्लिम कमा सकता है वो कमाता रहे इसी तरह भाई इस्लाम ने हमें पाबंद किया कि आप जुए वाले तरीके से पैसा नहीं कमा जुआ किसे कहते हैं किसी भी हादसे के साथ किसी भी वाकये के साथ अपने अपने नफा को मशरूत कर देना किसी भी नफा के साथ अपने वाकये के साथ अपने नफा को जब आप मशरूत कर दोगे ना तो इसकी दो सूरतें हैं एक सूरत तो ये कि वो वाक़ नहीं हुआ तो आपकी रकम डूब जाएगी वाक़ हो गया तो रकम इजाफी मिल जाएगी ये जुआ है और अगर डूबने का ख़तरा ना हो तो फिर ये गरर है गरर कहते हैं गैर यकीनी ख़रीदो फरोख्त गरर इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है आप किसी को रुपया देते हैं कि अगर कल ये वाक़ हो गया तो एक लाख दे रहा हूँ तुझे दो लाख लूँगा वाक़ नहीं हुआ तो मेरे एक लाख वापस कर देना तो ये भी क्या है मेरे भाई हराम है इंश्योरेंस में क्या हो रहा है अब ओलमा जब इन लोग को समझाते हैं आपने बीमा पॉलिसी ली आपके अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे नहीं मरे तो बोलो ना मिलते हैं पैसे फिर नहीं मिलते अब आप कहेंगे ये ताउन है बेचारा यतीम हो जाएगा तो यतीम होने पर इतने पैसे इसको मिलेंगे भाई तावन जायज शक्ल में जायज है सूद और जुए के तरीके पर जायज बोलो नहीं है सूद और जुए के तरीके पे थोड़ी जायज है तावन जब जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया है ना उस वक्त जुआ बड़ा खानदानी खेला जाता था उस जुए से गरीबों को फायदा होता था उस जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया अरब क्या करते थे तीरों पे नाम लिख के डालते थे तीर घुमाते थे जिसका नाम आ गया ना सारे रकम जमा करते थे पहले जैसे सात अफराद हैं जुआ खेल रहे हैं सात तीरों पे सबके नाम लिखे और वो पांसा डाला अच्छा फर्ज करो एक, -एक लाख सबसे जमा कर लिए कितने जमा हो गए सात लाख फिर जब जिसके नाम जुआ आया ना जो जीत गया उसको सात लाख रुपए मिल जाते थे अकेले को वो क्या करता था वो सारी रकम गरीबों में बांटता था फायदा किसको हो रहा था भाई उसको ये फायदा होता था भाई नाम किसका आएगा मेरा नाम आएगा मैंने खिलाया इस्लाम ने कहा कि गरीबों की मदद का यह तरीका ठीक बोलो नहीं हलाल तरीके से कमा के गरीबों की मदद करो जुए में जीती हुई रकम गरीबों की मदद में इस्तेमाल मत करो तो यह हराम है नाजायज है तो इंश्योरेंस में यही हो रहा है फिर भी ओलामा कहते हैं किसी मुल्क का कानून है इंश्योरेंस करवाना वहां आप मजबूर हैं लेकिन उस पर हलाल का लेबल ना लगाए बहुत से मुल्कों में आपको वीजा ही नहीं मिलेगा रहने की इजाजत ही नहीं मिलेगी वहां एक मजबूरी है तो वो फिर अल्लाह हुकूमत से पूछेगा लेकिन आप उस पर हलाल का लेबल बोलो मत लगाओ अपने इख्तियार से यह काम मत करो आप और यह भी जहन में रखें इंश्योरेंस वाले जो कहते हैं ना ये ताउन है ये भी झूठ है ये बिजनेस है ये क्या है बोलो भाई बिजनेस है वो तान की नीयत से ये काम नहीं करते रोड छापने का एक तरीका है इसकी मिसाल ऐसे है दस आदमी मुझे नज़र आए मेरे पास कोई बिज़नेस है नहीं मैंने क्या किया मैंने एक चाल चली यहूदी दिमाग है ना इन सब चीज़ों के पीछे कुछ किए बग़ैर पैसा कमाओ नेचुरल तरीके से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है कुछ करना पड़ता है भाई मुर्गियाँ ख़रीदोगे पता नहीं अंडा दें ना दें बीमारी आ गई पूरी मुर्गियाँ ही मर गई गाय खरीदोगे दूध निकालना पड़ेगा रोजाना सुबह सुबह उसका दूध बेचोग बेचोगे किसी दिन गाय का मूड ऑफ है तो दूध भी मार्केट से शार्ट तभी देखो भैंसों वाले भैंसों को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं ना लतीफे सुना सुना के खुश रखते हैं टेंशन में ना जाए भैंस मैंने गाय पाली है ना मुझे पता है गाय टेंशन में होगी दूध नहीं देगी वो अबे तुझे टेंशन के दूध से क्या ताल्लुक है यार ना 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 वो देगी नहीं दूध है पहले मुझे खुश करो उसकी सेवा करते हैं उसको खुश रखते हैं और समझाते हैं उसको फिर जाके दूध देती है तो हलाल कमाने में बड़े बखेड़े हैं तो यहूदी दिमाग ने क्या सोचा कि चंद दिनों में करोड़पति बन जाओ तो वो ऐसे दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने कहा यार ऐसा करो दस आदमी है ना ये एक मैं सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ इंश्योरेंस का दस आदमी है इनको उल्लू बनाओ दस करोड़पति लोग हैं इनको जाके समझाओ देखो तुम दस के दस तुम्हारे बच्चे भी हैं तुम्हारी बीवी भी है अल्लाह ना करे आज तुम मर गए आज तुम मर गए तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों का कल क्या होगा जहिर आदमी कहते हैं पता नहीं क्या होगा यार तो ऐसा करो मैं तुम्हारा खैर खा हूं एक एक करोड़ तुम दस के दस मुझे दे दो किस्तों में दे दो कैश दे दो वो तो किस्तों में ही चल रहे होते हैं ठीक है ना अगर तुम मर गए ना अगर तुम मर गए डेढ़ करोड़ मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों को मंथली तुम दे दिया करो मैंने पहले से कैलकुलेशन की भी है माहरीन से अंदाजे लगवाए हुए हैं कि कितने लोगों के मरने का चांस है हादसे से सारी दुनिया थोड़ी मर जाती है भाई अब कोविड में भी वन थर्ड दुनिया भी हलाक नहीं हुई है डिजॉस्टर जितने भी आते हैं एक फीसद आबादी भी नहीं मरती है जवान आदमी के मौत का रेशो दो फीसद होगा पाँच फीसद होगा तो पहले से कैलकुलेशन की हुई है कि यार इतने परसेंट चांस है मरने का एक मर गया दो मर मरगे अफोर्ड कर लूंगा बाकी आठ थोड़ी मरेंगे वो क्या होगा मेरा प्रॉफिट इंश्योरेंस का मैंने बिल्कुल सादा सा खुलासा जो आपके सामने पेश किया है ना वो ये है बेस ये है इसकी आगे फिर उसमें बड़ी तफसील है डिटेल है उसकी मैं समझा पा रहा हूं भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं सिलसिले में आए हुए हैं मुलाकात के लिए बेस ये है या नहीं है बाकी फिर उसमें डिटेल है पूरी तफसील है उसको तो उन्होंने असल इसका जो स्ट्रक्चर इस है वो यही है और एक और होशियारी पता है क्या की है इंश्योरेंस कंपनी को लिमिटेड भी कर दिया लिमिटेड का मतलब क्या है कंपनी आज का सारी लिमिटेड है कि प्रॉफिट जब तक होगा हम देंगे लॉस कंपनी के जिम्मे नहीं है यानी आप क्या दिमाग लड़ाया यार देखो ये ऐसे है ये दुनिया गे, गोरा गेम क्या खेल रहा है यहूदी गेम क्या खेल रहा है और गोरा भी कर रहा है ये काम इस्लाम इन चीज़ों में कबाब में हड्डी बनता है तभी इन लोगों को इस्लाम पसंद नहीं है कंपनियों के आगे आपने देखा होगा ना लिमिटेड ये क्या है लिमिटेड ये मंजन है मिसाल के तौर पर चार आदमी मिल के कारोबार शुरू करते हैं भाई मैं हो गया वसीम भाई हो गए गफ्फ़ार भाई हो गए सतार भाई हो गए टोटल कितने आदमी हो गए चार हमने लोगों से पैसा अपना पाँच रुपए भी नहीं लगाए लोगों को हमने मंजन बेचा जबरदस्त कंपनी खुल रही है बिजनेस हो रहा है अपना मंजन अपना बैंकों बैंकों बैंको से कर्ज लेके दे धना दन बिजनेस करके शेयर होल्डर को हमने देना शुरू कर दिया अच्छा भाई ये बिजनेस तो चार आदमियों का है नहीं भाई हमारा नहीं है ये कंपनी का बिजनेस है ये किसका बिजनेस है कंपनी को एक शख्स कानूनी फर्ज कर लिया है लीगल पर्सन ये मेरा नहीं है भाई मेरा इससे कोई ये, ये लीगल पर्सन है हवा में भी उसका वजूद बोलो ना नहीं है ये एक लीगल पर्सन है उसका कोई भी नाम रख दिया कुछ भी नाम रख दो कोई अच्छा सा नाम बता दो ताकि मिसाल और अच्छी हो जाए ना कुछ भी नाम रख दो नहीं नहीं तारिक मसूद नहीं भाई कुछ भी नाम रख दो आप रफी भाई नाम रख दिया उस कंपनी का नाम है रफी एंड सन्स लिमिटेड कंपनी ठीक है ना अब चार आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कंपनी जवाब दे है कंपनी प्रॉफिट तकसीम करेगी अब कंपनी को हो गया लॉस यानी हम चार आदमियों ने असल में तो हम चार ने मिलकर बिजनेस का बेड़ा बोलो गर्क जब कमा रहे थे तो करोड़ों रुपए हमने कमाए लोगों के पैसों से दे दन, बंगले बना लिए इस्लाम कहता है कम जब तुम कमा रहे हो तो रिस्क भी तो लो ना नुकसान का चढ़ेगा कर्जा चढ़ेगा तो तुम पे चढ़ेगा देखो एक आदमी दो आदमियों ने मिलके बिजनेस किया ना शिराकत पे तो जब इस कारोबार पे कर्जा आएगा तो दोनों पे आएगा ना इन्होंने क्या किया कम ने कर्जा जब आ गया ना लॉस में जा रहे हैं हम पे नहीं आ रहा ये कंपनी पे आ रहा है अब जब आप आओगे भाई मेरा जो नुकसान हुआ है मुझे पैसे चाहिए कंपनी से लो कंपनी की ना टांगे हैं कंपनी के ना हाथ हैं कंपनी की ना जबान है कंपनी की ना वो है कहां कागज में है वो कागज अपनी बकरी को भी नहीं खिला सकते आप ये मतलब होता है किसका लिमिटेड कि सिर्फ ये जितने एसिड्स हैं ना कंपनी के उस हद तक लॉस कंपनी के जिम्मे हैं आपको कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं जो बड़े बड़े लोग जो कंपनी के सत्तर सत्तर फीसद हिस्से के मालिक हैं उनके घर लॉस की तलाफी के लिए आपको जाने की इजाजत बोलो नहीं है क्योंकि ये उनका बिजनेस नहीं है वो सिर्फ पेड़े खाने के लिए तो उनका बिजनेस है जब लॉस में जाएगी कंपनी तो कंपनी इसकी जिम्मेदार है और कंपनी है ही नहीं मार्केट में क्योंकि कंपनी डिसॉल्व हो गई है कंपनी क्या हो गई है खत्म हो गई तो वह जो कागज में थी वह भी नहीं है अब गेम किसने ये मंजन किसने बेचा है अंग्रेज ने जो सुबह शाम ह्यूमन राइट्स और व्यूमेन राइट की बातें करते कम थकता नहीं है इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई है तभी हम मिजान बैंक के भी लिमिटेड वाले उनसर को नहीं मानते हैं लिखा होता है मिजान बैंक में भी, भी हम कहते हैं शर्त खिलाफ शरा है मिजान बैंक से लेन देन जायज है लेकिन यह जो शर्त लगी हुई है ना कि कंपनी जिम्मेदार होगी ये शर्त शरीयत के क्या है खिलाफ है हम कहते हैं लॉस हुआ तो उसके उसके जो जो ओनर है वो जिम्मेदार होंगे अपनी जेब से भरने के नहीं आई मेरा ख्याल है बात बात समझ शर्तें ऐसी होती हैं उन शर्त की वजह से अकद फासद नहीं होता लेकिन शर्त ही वो कलदम होती है शरीर कहती है शर्त नहीं है इसको हम नहीं मानते जैसे कुछ दिन पहले एक मियाँ बीवी आए ना शादी कर रहे थे तो उसमें शर्त लगाई औरत ने कि अगर मर्द ने दूसरी शादी की तो डेढ़ करोड़ रुपये मुझे देंगे मैंने कहा मैं ये शर्त तो लिख दूंगा लेकिन इस शर्त की शरीय में कोई हैसियत इस शर्त पर निका किया तो निका तो हो जाएगा लेकिन ये शर्त क्या होगी भाई कल अदम होगी तो बाद शर्तें जब अकद में लगाई जाती हैं तो कुछ शर्तें तो ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो एग्रीमेंट ही बातिल हो जाता है फासद हो जाता है कुछ शर्तें ऐसी होती हैं एग्रीमेंट तो सही हो जाता है लेकिन शरीयत कहती है इस शर्त की कोई शरी हैसियत बोलो नहीं तो फिर वो हाथों बेचारी परेशान हो गई मैंने कहा मैं तो लिख दूंगा लेकिन इसकी कोई शरी हैसियत नहीं है फिर, फिर क्या करें फिर एक और तदवीर हमने उनको बताई वो फिर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा हर काम मेंबर पे बताने का नहीं होता मैं तो लोगों को दूसरी शादी का मशवरा देता हूँ लेकिन अब आप देखो वो खातून कह रही कोई ऐसा टेक्निकल तरीका हो कि शादी ना कर सकें फिर एक टेक्निकल तरीका मैंने बताया समझ रहे हो उससे ये तो नहीं हुआ कि मर शादी नहीं कर सकेगा करने की तो अल्लाह ने इजाजत दी लेकिन कुछ औरत तो के पास चले जाएंगे वो फिर मैंने उनको बता दिया लेकिन हर चीज़ बताने की नहीं होती बास चीज़ें हर एक के लिए नहीं होती उससे घर खराब होने का खतरा होता है कभी छांव में आएंगे अकेले में मिलेंगे इस सिलसिले में इन हम बात करें अब देखो इस्लाम ने कितनी पाबंदियां लगाई हैं ना तो ये दुनिया जो इंसानों के हकूक़ की बात करती है बातें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन इसमें हकूक़ गरीब का कब बेड़ा गर्क हो रहा होता है इसमें कंपनियों के जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक देखो आप वो ऐसा पैसा कमाते हैं गम कोई नहीं होता उनको गम यही होता है कि कंपनी खत्म हो जाएगी बस लेकिन एक आम ताजिर को गम ये होता है कि भाई मुझ पर कर्जा ना चढ़ जाए कर्जा चढ़ा तो मेरे घर लोग आके बैल बजाएंगे लेकिन खरबपति ताजिर को ये खतरा नहीं होता वो कहता है मेरे घर आके बैल नहीं बजाएंगे कंपनी का दफ्तर में जाके बैल बजाएंगे और जब कंपनी खत्म होगी तो दफ्तर भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक या दफ्तर से ले लें दफ्तर क्या करेगा तो नाम ही नहीं आता ना कंपनियों का आ रहा होता है ये नहीं कह रहा कि कंपनियां खोलना जायज नहीं है कारोबार करें आप लेकिन ये गोरे की आपको होशियारी बता रहा हूं मैं ये जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग हैं ना इन्होंने कैसा इंसानियत को बेवकूफ़ बनाया तो है का का तो जाहिर है अल्लाह का कानून अल्लाह तो सबको एक नजर से देखता है ना तो फिर अल्लाह जो कानून बनाता है उसमें ये ये नहीं देखता कि उसको क्या नुकसान हो रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है सारी इंसानियत को देख के अल्लाह कानून साजी करते हैं तभी हम ये कहते हैं कि इंसानियत की फ़लाह व बहबूद सिर्फ़ अल्लाह के कानून पे चलने में है इंसानों से पूछ के कानून बनाओगे तो क़ानून बनाने वाले अपना अपने आप को सबसे पहले फ़ेवर देंगे तभी जिन मुल्कों में असम्बली में लोग शराब पीते हैं वो कभी भी शराब के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं कर सकते हालांकि दुनिया में किस क़दर फसाद हो रहा है शराब की वजह से सारी दुनिया जानती है कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं लेकिन भाई क्यों शराब को इलीगल नहीं करते जो असंबलियों में पहुंच पहुंचते हैं वो खुद मेजोरिटी उनमें शराब पी रही होती है शराब पी के तो आए होते हैं वो वो कैसे उसके खिलाफ कानून साजी करेंगे वो कहते हैं अगर हम ना पी के आए होते तो हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था भाई जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं जहां मामलात की बात आती है तो मुसलमान फिर वहां पर लॉजिक तलाश करना बोलो शुरू कर देता वहां अहतियात नहीं डालता अल्लाह रसूल के सामने जहेज का देख लो ना आप तकरीरें होती रहेंगी जहेज ऐसा है जहेज ऐसा है कलम होते होंगे खुद ले भी रहे होते हैं दबा के दे भी रहे होते हैं तो मजबूरी के काम अलग होते हैं बाफ़ा लड़की वाले मजबूर होते हैं लड़का किस बात का मजबूर है भाई तू तो बोल दे मुझे नहीं चाहिए देखो हम जो बातें करते थे आज अल्लाह ने अमल करवा दिया टूटा फूटा हमसे हमने तो जहेज़ नहीं लिया भाई तमीज़ से हमारा सेटअप चल रहा है अलहदुल्ला और मुझे तो चार दफ़ा मौका मिला था जहेज़ लेने का इतना ले लेता कि मैं तो जहेज़ में घूम दब के मर जाता जहेज़ में खैरत से बड़ी दुनिया में कोई नेमत देखो एक बात कान खोल के सुन लो हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की नसीहत है ये कि जिसने हाथ यूं किया ना चाहे वो जहेज की शक्ल में हो ससुरालियों पे नजरें डाली हो बीवी की कमाई पे नज़र डाली भी हो भीख मांगने के दो तरीके हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ भीख। एक तरीका जिससे इंसान जलील हो जाता है जो आम भिकारी हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन के आते हैं कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो दूसरा तरीका भीख भी होती है और पब्लिक की नज़रों में ऐसे जलील भी नहीं होता ज्यादा खतरनाक तरीका है भीख मांगने का जैसे अक्सर मैं कहता हूं डाकुओं की दो किस्में हैं एक किस्म जो कराची में बेशुमार डाकू घूम रहे हैं और यह गवर्नमेंट की अलहमद ला मेहरबानी है बेशुमार डाकू घूम रहे हैं यह कभी पकड़े जाएं तो लोग इनको जला भी देते हैं सर में गोलियां भी मार देते हैं बदनाम भी करते हैं लेकिन इनसे एक डकेती वो है कि आप थ्री पीस सूट टाई में घूमते रहें आपको कोई डाकू भी नहीं कहता कहीं रिश्ते के लिए पैगाम भेजें तो आपको रिश्ता भी मिल जाता है कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करें आपको जॉब मिल जाती है नमाज में अगले सफ़ में आपको जगह दी जाती है ये वो डकैती है जिसमें डकैती भी ज़्यादा पैसों की है और आप पे डकीती का धब्बा भी नहीं लगता ये कौन सी डकैती जैसे आपके अब्बा का 20 साल पहले इंतकाल हुआ था बहन की एक करोड़ विरासत बनती थी आपने अभी तक उसकी वो विरासत बोलो दी नहीं है खा के बैठे हुए इतनी बड़ी जमीन थी अभी तक आप ही उस पर पैदावार उगा रहे हैं डिकैती ज्यादा खतरनाक है या नहीं एक तो बहन का पैसा खा रहे हो वो डाकू गैरों का पैसा खा रहा है गलत है वो भी आप किसका पैसा खा रहे हो बहन का वो मांगे तो आप उसको ईद बकर पे कुछ गोश्त भेज दिया उसके घर ईद पे कपड़े बना के दे दिए बच्चों की कभी फ़ीसें दे दी और बता दिया कि मैं जब तक हूँ तुम्हारी सारी ज़रूरतें किसके ज़िम्मे हैं मेरे जिम्मे छोटे भाई की विरासत खा के आप बैठे हुए हैं कर्ज़ा लिया और मार्केट से क्या हो गए शॉर्ट दे ही नहीं रहे कर्ज़ा अभी रिसेंटली एक डेढ़ हफ्ते पहले किसी खातून ने अमेरिका से कोई रिलेटिव है जानने वाली मुझसे पूछे बग़ैर पाकिस्तान में किसी को डेढ़ करोड़ रुपए दे दिए कारोबार के लिए पिछले साल मुझे बताया भी नहीं अब हमारी जानने वाली खातून है अब हैं भी बेचारी एजड इस उम्र में इंसान टेंशन लेने का होता है डेढ़ करोड़ रुपए दे दिया पाकिस्तान को पाकिस्तानी को अब एक साल के बाद कह रही है भाई वो तो दे ही नहीं रहा पैसे तो मैंने कहा ये ऐसा ही है जैसे तलाक देने के बाद लोग पूछ रहे होते हैं हो गई कि नहीं हो गई तलाक देने से पहले पूछ तो कि ये बोलूंगा कि हो तो नहीं जाएगी कहीं मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं पैसा देने के बाद डुबोने के बाद मुफ्ती साहब क्या करें ये क्या हो रहा है तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा भूल जाएं क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये डेढ़ करोड़ इनके दिमाग से नहीं निकले ये बेचारी डिप्रेशन से बहुत जल्द मर जाएंगी मैंने कहा गए किसी का बाप निकाल लेना मेरा नाम बदल देना नहीं देगा लिच्चड़ आदमी है नहीं देगा निकलवा के दिखा दो पर मुझे गुस्सा भी आया उन खातून में मैंने कहा आपको मुझसे तो मशवरा लेना चाहिए था कह रही नहीं वो इतना नेक आदमी है और फिर मुझे फिर आदमी को डिप्रेशन में जाता है नेक वेक पाकिस्तान में नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं भाई शॉर्ट चल रहे हैं नेक होगा एतकाफ़ में बैठा होगा इतना नेक होगा और वो वाला स्टाइल नहीं होगा सही है ना सफाई वफाई होगी ये भी नेक इतने नेक हैं पैसा लेके दे दें मैंने नहीं देखा भाई आए हैं, हैं दो चार हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर वरना नहीं होता भाई भाई को दो बीवी शोहर को दे वो खाएगा साले को दो वो ऐसा मार्केट से शॉर्ट होगा एक तो साला ऊपर से पैसे लेके भाग गया हमारे खानदान में इसकी बहुत मिसालें हैं दे दिए पैसे अच्छा एक बात याद रखो ये बात मैं ख़वान को ख़ास नसीहत कर रहा हूँ कि तुम्हें जब तुम्हारे बाप की विरासत से पैसा मिला करे ना ये ख़ातिन खूब ये इसका क्लिप भी बनाओ लेकिन देखना ख़वान की समझ में ये बात आएगी नहीं नहीं आएगी जब पैसा डूबेगा तो फिर कहेंगी मुफ्ती साहब सही कह रहे थे जब तक नहीं डूबा तो कहेंगी भाई ये कोई थोड़ा सा ज़्यादा मुबालगा कर रहे हैं मेरी अक्सर बातों को लोग कहते हैं मुबालगा बहुत कर रहा है जब डूबोगे ना तो पता चलेगा जब बहनों को विरासत में हिस्सा मिलता है ना तो ख़ानदान के लोग ऐसे चक्कर लगाने लगते हैं जैसे एक मिसाल जहन में आ रही थी देना मुनासिब नहीं है दूसरी मिसाल दे देता हूँ मैं वो जो पहली वाली मिसाल है कभी छांव में मिलेंगे तो इन शाला मैं वो वाली मिसाल दूँगा अकेले में मस्जिद से बाहर छाओं में मिलेंगे तो दूंगा मैं दूसरी मिसाल फिलहाल मैं पार्सल कर देता हूँ के ऐसे रिश्तेदार चक्कर लगाएंगे ना और इतने नेक बन के आएंगे हमारे महल में वो मिसाल क्या है हमारे महल में ना एक साहब थे छीछड़े लेके बैठा करते थे बिल्लियों को बहुत खिलाते थे मस्जिद कमेटी के थे अब चले गए यहाँ से शिफ्ट हो गए अल्लाह उनकी उम्रें बरकत दे उनको जानवरों को खिलाने का बड़ा शौक़ था तो उन्होंने क्या किया था वो कुछ छीछड़े लेके जमा करते वो अपने आलम भाई वो छीछड़े लेके जमा करते तो बिल्लियों को खिलाते तो बिल्लियों को मुखबरी होती कि भाई यहां मार्केट में क्या बिक रहा है मिल रहे हैं फ्री फोकट के छीछड़े अब एक बिल्ली वहां से दूसरी वहां से जिस जिसको पता बिल्ली को पता चल जाए कि फला जगह पे छीछड़े फ्री फोकट में मिल रहे हैं बिल्ली छोड़ेगी अब क्या पूरा बिल्लियों का इज्तिमा शुरू हो गया था अब हमारे लिए बाइक पर आना जाना मुश्किल हो गया अच्छा किसी दिन वो किसी काम से गए हुए हैं वो नहीं आए तो बिल्लियां पहले पहुंची हुई हैं वहां पर म्याओ म्याओ एक शोर शराबा हो रहा है बिल्लियों का पूरा एक एहतजाज चल रहा है भाई कहाँ है मैंने उनसे कहा मैंने कहा यह आपका तरीका ठीक नहीं है आप बिल्लियों को बेरोजगार बना रहे हो आप मर गए खुदा न खवास्ता यहां से शिफ्ट हो गए ये बिल्लियों को तो अब खुद से खाने पीने की आदत इनको पता है शाम को लंगर मिलेगा इतने बच के इतने मिनट पे पूरी बिल्लियों की फौज जमा हो गई ना तो जैसे उन्होंने शुरू में चंद दिन एक दो दिन छीछड़े फेंके तो पूरे महल्ले से बिल्लियों की आहिस्ता आहिस्ता उनको खुशबू जाना शुरू एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली को बताया दूसरी ने तीसरी बिल्ली को होते होते पूरे महल्ले की बिल्लियां टाइम पे जमा होने लगी खूब समझ लो खानदान में जब किसी के पास पैसा आता है ना आमतौर पर लड़कियों के पास पैसा जब भी आता है लड़कियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उनको उल्लू बनाना अलहमदिल्ला बहुत आसान है खातीन समझती हमसे ज्यादा जहीन दुनिया में कोई नहीं है लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं होंगी आप बहुत जहीन लेकिन आपको तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है आपके अब्बा का इंतकाल हुआ इतफाक से आपको विरासत मिल गई मिलती का है हमारी सोसाइटी में मिल गई तो अब क्या होगा कि बिल्लियों की तरह जितने भी रिश्तेदार हैं वो इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाए फ़ोन आएंगे आपके पास देखें एक्चुअली बात असल में ये है जो फिरौन ने मरते हुए कहा था ना अन्नहु ला मन तु आमनत भी बनु इसराइल फिरौन जब मरने लगा था ना तो ज़मीर शान लेकर आया था ज़मीर शान क्या होती है जमीर ये क़स्मा समझते हैं इसका मतलब ये होता है कि बात यह है कि वैसे तो फिरौन ईमान ना ही ले रहा था ना अल्लाह पर लेकिन जब एक उसको गौता लगा है ना तो एकदम से नहीं ले आया कह रहे बात तो सुनो एक्चुअली बात क्या है बात यह है कि मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जो मूसा और हारून का रब है पूरी डिटेल में जाके फिरौन ईमान लेकर आया है पूरी तफसील से अल्लाह ने उसके ईमान को माना नहीं है पहले मुख्तसर कह देता ला है ला अल्लाह अल्ला मान लेते अब पूरी डिटेल में जाके भी ईमान रहा है अल्लाह जमीर शान लेकर आ रहा है कि किस्सा ये है भाई बात तो सुनो तो रिश्तेदार क्या कहते हैं जमीर शान लेकर आते हैं ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई आप तुम्हें पैसा मिले एक करोड़ लाओ मुझे दो मैं इन्वेस्ट करके आधा तुम्हारा आधा मेरा वरना ये रकम डूब जाएगी ना 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 बड़े तमीज से चिकनी चपड़ी बातें करके देखें एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास तो अल्लाह का दिया पैसा बहुत है मुझे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन यह कि अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा यार हमारी भी कोई कजन लगती है हमारी भी कोई रिश्तेदार लगती है तो ख्याल हो रहा था कि मैं तुम्हें बता दूँ ये स्टाइल है समझ रहे हो मेरा ख्याल हो रहा है कि मैं आपको भी बता दूँ और अच्छी इन्वेस्टमेंट है और फायदा बहुत होगा इससे वरना देखना लोग तुमसे पैसा लेके ना कारोबार के नाम पे तुम्हें उल्लू बनाएंगे जो काम खुद कर रहा होता है वो किस पे डाल रहा होता है लोगों पे डाल वरना देखना होगा क्या लोग तुम्हें उल्लू बनाएंगे मैं खातन से हाथ जोड़ के कहता हूं आपको पैसा मिला सोना लेके लॉकर में डाल लो या कोई प्रॉपर्टी खुद जाके लेके किसी को पकड़ाओ नहीं खूब जहन में रखो जो पैसा किसी को पकड़ा दिया ना वो अब आपका नहीं है शायद एक आध फीसद कोई खातून ऐसी हो जिसका पैसा बच जाए कोई कोई बहुत ईमानदार बंदा मिल जाए वरना नहीं है इंपॉसिबल लेकिन ये बात समझ में बोलो नहीं आएगी नहीं आएगी समझ में बात ये भी मैं लिख के दे दूं एक दो दफा प्रॉफिट कमा के देगा वो भाग जाएगा और प्रॉपर्टी कैसे लें ये भी बता दूं अब पैसा आ गया ना किसी लड़की के पास खातून के पास अब्बा का इंतकाल होता है तो मिल जाते हैं पैसे बाज़ दफ़ा अक्सर तो नहीं मिलते लेकिन बाज दफ़ा मिल जाते हैं अगर प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी फाइल लेके रख लो बस अपने नाम करा के छेड़ो ही नहीं ये बिजनेस करना हर एक का काम नहीं है फाइलें घुमाने की कोशिश नहीं ये सारे मंझन हम पे लोग हमसे खेल चुके हैं हमने बड़ी फाइलें वाइलें घुमाई हैं जीरो हो के बैठ गए थे अलहमदुल्ल समझ रहे हो ना और हमारे अब्बा हमें कहते थे कि मैं समझा रहा हूँ कभी किसी को पैसा मत पकड़ाना फिर ये भी कहते थे लेकिन ये बात जब तक पैसा डूबता नहीं है समझ में आती नहीं है हमें तो चार शादियों की बरकत से अल्लाह ने दोबारा खिला दिया वरना हमने जो हमाकतें की थी पूरी कोशिश की थी कि खाने को रोटी भी ना बचे हमारे पास जो हमने हमाकतें की हैं तो प्रॉपर्टी ले लो अगर प्रॉपर्टी है तो फाइल लेके रखो बिजनेस खुद जो किया जाता है वही होता है किसी को पकड़ाया मेरे भाई स्टेट एजेंट नहीं कमा के देगा आपको वो पागल थ्रू अपने लिए बैठा है वो सबसे सड़े हुए प्लॉट में तुम्हारा पैसा डालेगा अपना पैसा वहां डालेगा जहां उसको पता है कल डबल हो जाएंगे उधार लेके डाल देगा वो थोड़े से प्रॉफिट पे उधार ले, ले लेगा वो।, वो पागल है वो तुम्हारा पैसा अच्छे प्लॉट में डाले कि जिसकी कीमत कल डबल हो जाएगी अगर है तो वो पागल है इसका मतलब अजायब घर में रखवाओ उसको जो प्रॉफिट खुद कमा सकता है वो तुम्हें दे रहा है यार कैसे ये ये, ये कोई सेंस की बात है ये तो कभी भी ये हरकत ना करो मसाले के कारोबार में चावल के बिजनेस में और तोतों के कारोबार में और फलाना कह रहा है ये, ये उसको इतने सुनहरी बाग लोग दिखाएंगे पैसा हो जाएगा आपका बर्बाद आपने क्या करना है भाई गोल्ड लेके लॉकर में डाल दो आड़े वक्त में अभी खाना पीना तो मिल रहा है ना ये जो बिज़नेस के आपको मशवरे दिए जा रहे हैं ना फेसबुक और टिकटॉक पे ये मशवरे देने वाले मेजॉरिटी सब की बात नहीं कर रहे इनमें कुछ मुखलिस भी हैं लेकिन 99 परसेंट मशवरे इसलिए दे रहे होते हैं कि इनको खुद बेचारों को कोई कारोबार आता नहीं है तो कह रहे हैं मशवरे के ही पैसे कमा लो मशवरे देने के लिए चैनल बनाते हैं ये जब देखते हैं ना मखियाँ मार रहे हैं ना टमाटर का बिजनेस चल रहा है ना, ना, ना खरबूजे का चल रहा है ना प्रॉपर्टी का तो फिर एक यूट्यूब पे चैनल खोल के ये कारोबार के मशवरे देने का कारोबार शुरू कर देते हैं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे फिर क्या होता है वो वो क्लिप वायरल होता है उस पर व्यूज़ आते हैं तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं तो कहते हैं चलो बिज़नेस नहीं हुआ बिज़नेस के मशवरे के पैसे तो अलहमदल्ला आ गए ना सबकी बात नहीं कर रहा इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन एक होंगे वो अच्छे हैं 99% है। तो जब कोई आपको टिकटॉक फेसबुक पे बिजनेस के मशवरे दे रहा हो ना तो आप बोला करें यार सबसे बेहतर मशवरा यही है कि मैं भी वही उसी तरह मशवरे दिया करूं जैसे तू मशवरे दे रहा है समझते हो कि नहीं समझते मशवरे देने के आपको पैसे मिल जाएंगे वो वो गूगल ही दे देगा आपको वो देखेगा जब लोग इतना देख रहे हैं चैनल आपका तो वो आपको पैसे दे देगा तो अब जो खतानीन है उन्होंने क्या करना है प्लॉट गोल्ड लेके डाल दें या क्या खरीद लें प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका ये है कि खुद जाएं अपने किसी भाई भाई के साथ चले जाएं लेकिन क्या सारी डीलिंग मैं खुद करूंगी उसमें करना ही है भाई को भी पकड़ाए ना 99 नाइन परसेंट चांस खा जाएगा वो भाई की बात कर रहा हूं मैं एक फीसद सही होंगे इसमें 99 परसेंट चांस ये कि आपने अपने तहजुद चार महीने लगाकर आया हुआ है उसको पकड़ाए तीन करोड़ अभी चार महीने लगाकर आया आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ मुबालगा कर रहा हूँ मैं मुबालगा नहीं कर रहा सही है मैं सच्ची मुच्ची की बात कर रहा हूँ एक फ़ीसद होंगे सही इसमें वो भी मैं इसलिए कहता हूँ कि फिर जो बयान सुन रहे हैं गुस्सा ना आ जाए कि हम भी ऐसे ही हैं तो एक फ़ीसद मैंने रखा हुआ है नाइन्टी नाइन परसेंट की बात कर रहा हूँ तो आपने क्या किया डेढ़ करोड़ रुपये दो करोड़ दस करोड़ निकाल के उसको दिए या चेक दिया कि ये प्लॉट ख़रीदना है वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं रास्ते में उसकी नीयत चेंज एकदम उसको ख्याल आएंगे वो मैं नहीं कह रहा कि चोर है लेके भाग जाएगा ना उसके जहन में प्लानिंग आना शुरू की यार ये डेढ़ करोड़ जब मेरे पास आया है मैं खुद क्यों ना करूं इससे बिजनेस डूब गया तो उसका नुकसान है आ गया तो दे देना दन क्या ख्याल है भाई थोड़ा सा उसको भी दे, दे देंगे प्रॉफिट वो भी खुश हो जाएगी ये दस मिनट के अंदर अंदर उसकी नीयत चेंज ना हुई तो मेरा नाम बदल देना दस मिनट भी नहीं लगेंगे नीयत चेंज होने में मेरे पास एक दफ़ा एक साफ पैसा लेकर आए मुझे कहने लगे ये एक महीने के लिए आप अमानत रख लें और बेशक आप चाहें इस्तेमाल कर लें एक महीने के बाद मुझे दे देना मैंने कहा ये पकड़ भाई एक महीने में मेरी नीयत चेंज हो जाएगी ये बता रहा हूँ मैं मुझे रातों को ख्वाब आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इसको फलां जगह इन्वेस्ट करूँ फलाँ जगह इन्वेस्ट करूँ डूब गए तो दोस्ती क्या हो जाएगी हमेशा के लिए ख़राब जहाँ जाऊँगा जह तुम उंगलियाँ उठाओगे मेरे ऊपर ये वो मुफ्ती है जो मेरे पैसे लेके खा गया था मैंने कहा रख भाई अपने पास जितना अपनी जेब में है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उस पर हमें इज्जत के साथ ज़िंदगी नसीब की हुई है वो कहने लगा चलो वैसा ही रख लें हमने कहा नहीं रख रहे वैसे ही क्यों रखूं भाई मैं नीयत खराब होगी जब पैसा होता है तो अब उल्टे उल्टे ख्याल आना मेरी नीयत तो यही होगी कि उस वक्त मेरी तीन थी फौरन ठक जहां से इंकार हुआ था वहां मेरे जहन में पता है क्या आता मैं कहता चलो जहां इंकार हुआ था वो पैसों की वजह से ही हुआ था ना फिलहाल वहां शादी करके लाओ सुन्नत पूरी करो रिस्क जब निकाह करता है इंसान तो अल्लाह ने वादा किया है कि जो निकाह करता है अल्लाह उसके इसमें बरकत देता है जब बरकत देगा तो उसके पैसे वापस कर दूंगा ठीक <laughs> है <laughs> अल्लाह ने ये थोड़ी क्या दूसरों के पैसों से निकाह करोगे तो बरकत दूंगा तो ये शैतान क्या करता है हमारे हमने अपने बुजुर्गों से मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है जो शैतान मौलवियों को बहकाता है ना वो भी क्या होता है वो मौलवी वाले स्टाइल में बहकाता है बड़ा उन्होंने इसरार किया मैंने कहा नहीं भाई रख ले हम नहीं रखते फिर उन्होंने किसी और को दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से गया गायब ये दस बारह साल पुराना वाक्य है उसको दे दिया उसने कहा चलो ठीक है दो महीने बाद दे दूंगा वो दो महीने अब तक की रिपोर्ट है अब आ भी जाए तो वो अब दस साल पुरानी रकम की अब क्या वैल्यू है तो मैं खवातीन से बस ये बयान कर ख़त्म करता हूँ अभी कि गुजारिश कर रहा हूँ तुम्हारे बाप का पैसा तुम्हें मिला करे ना या कहीं से भी पैसा आए किसी को भी देने की कोशिश मत करो गोल लेके रख लो हज करके आ जाओ या प्रॉपर्टी ख़रीदनी है खुद जाओ और ये ना बताओ स्टेडेंट स्टेट एजेंट को कि मैंने खरीदनी है आप उसको बोलो मैंने बेचनी है मेरा एक प्लॉट है इस एरिए में फला लोकेशन है तो बताओ कितने का बिकेगा वो ऐसी सड़ी हुई कीमत बताएगा ना कि बेहोश होने का खुदकुशी करने का दिल करेगा स्टेट एजेंट के पास जब आप जाओ बेचने की कीमत डिप्रेशन वाली रखी हुई होती है उसने सही है ना ऐसी सड़ी हुई कीमत बताएगा ना अगर आपने कहनी है मैंने खरीदना है ऐसे सुर्ख, ऐसे आपको सब्ज बाग दिखाएगा कि आपका दिल करेगा कि काश ऐसे इतनी ही रकम मेरे पास और होती और कबर भी मैंने इसी प्रॉपर्टी में बनानी है इतनी महंगी प्रॉपर्टी है तो उसको बोलो मैंने बेचना है तो वो ऐसी सड़ी हुई कीमत बताएगा आपको तो फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कीमत इसकी होगी और फिर आप एक बार्गेनिंग करके खरीदने की कोशिश करें थोड़ी मेहनत होगी लेकिन कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास इस तरीके से आ जाएगी मेहनत लगेगी मेरे साथ ये सब भुगते हुए वाकयात बता रहा हूं मैं भुगते हुए तो ये है जो बस मैं बात को एक मिनट में खत्म करता हूं ये है मुआमलात का दीन मुसलमान मामला के दीन में क्या है जीरो इसमें मजहबी गैर मजहबी सब बराबर है हम अगर हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सोहबत ना उठाते तो शायद आज मैं भी इस मस्जिद में करोड़ों रुपए कमा चुका होता मौलवियों पे जो लोग एतमाद करते हैं वो किसी और पे नहीं करते अमें तो हजरत मिल गए हजरत ने फरमाया मौलाना मौना श्रदानवी से सीखे हुए थे वो मौना शरीद थानवी तो मामला में ऐसे वो तो उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है तो भाई पैसों के मामलत में अपने आप को सीधा करो टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश बोलो मत करो जब आप कहीं पढ़ाने जाते हो स्कूल में आप तनख्वाह पूरी लेते हो बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाते तो आपकी नमाज आपको जहन्नम से नहीं बचा सकती समझते हो कि नहीं समझते और ये टोपी ड्रामे मत किया करो हज पे जाने से पहले कहाँ सुना सब माफ़ ये सब ऊपर ऊपर की बातें होती हैं अंदर से लोग नहीं कह रहे होते कहा सुना माफ़ है तो भाई जिसका जो हक बनता है वो दे दो ना क्यों उल्लू बना रहे हो जो हक बनता है वो दे के जाओ ना और अक्सर मैंने देखा है पैसों में करप्शन करते ही उम्र करने जाते हैं यानी सबसे पहला काम जो करप्शन से पैसा कमाया हुआ होता है ना उसका सबसे पहला एक जो खर्च होता है वो कहां हो रहा होता है और भाई जो भी उम्र पे जा रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा सुनो कि कोई भी उम्र पे जा रहा है मैं बता रहा हूं कि करप्शन करने वाले भी उमरा हज कर रहे होते हैं तो सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज़ को ये इसी के बारे में है, बाकी बहुत से हलाल पैसों से भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो तो भाई ये वाला जो दीन है ना मामला नमाज भी हमारी जिंदगी से निकली हुई है इसमें भी दो राय नहीं है लेकिन कम अज कम उसको दीन समझते तो है ना मामलात को तो हमने दीन समझना छोड़ दिया है समझते हो और मामलात को दीन उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक दिल से पैसे की मोहब्बत खत्म नहीं होगी जब तक हवस है ना दिल में तो दिल होगा यहां से भी घसीट लू यहां से भी घसीट लू वहां से भी ले लू वहां से भी ले लू खुदा की कसम गैरत की जिंदगी में जो मजा है वो मजा किसी और जिंदगी में नहीं है अपना गेटअप ऐसा बनाओ मैं तो ऐसा नहीं है लेकिन बहरल स्टाइल ऐसा बनाओ आप कहेंगे कि ये ये देखो ऐसा है। अपना गेटअप ऐसा बनाओ लोग आपको समझें कि इससे ज्यादा करोड़पति दुनिया में कोई है ही नहीं इससे जब भी बोलो इसको पैसों की जरूरत ही नहीं होती हमेशा बोलता है यार अल्लाह का दिया क्या है चाहे घर में खाने को ना हो बहुत मुश्किल है यार घर में खाने को ना हो ना आप बोलो अल्लाह का दिया क्या है बहुत कुछ बेगम बोल रही है मैंने जॉब करनी है गुजारा नहीं हो रहा बेगम अल्लाह का दिया बहुत कुछ है बीवी घर की चार दीवारी में बहुत अच्छी लगती है वो टीवी में आया था ना याद है अभी रमजान में ना कुछ समर टीवी था पता नहीं कौन सा टीवी उसमें कोई कोई स्कॉलर्स बैठे हुए थे खातून ने फ़ोन किया कि मेरे शोहर ने मुझे कहा कि आप जॉब कर सकती हो तो जॉब के दौरान मेरा आंकड़ा हो गया किसी बंदे से ना मुझे वो वसीम वसीम था या फिर भाई कोई भी अच्छा लगने लगा तो अब मुझे वो इतना अच्छा लग रहा है मैं अपने शोहर से अब डिवोर्स मांगना चाहती हूँ तो मेरे शोहर मुझे डिवोर्स दे नहीं रहे तो आप ज़रा बताइए एक्चुअली मैं क्या करूँ अब वो स्कॉलर बेचारों ने अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया मेरे दिल चाहता था काश मैं होता मैं उसको जवाब देता कि आप अपने शोहर को नंबर का नंबर दें मुझे आप बीच से क्या हो जाएं हट जाए ठीक है आपका कसूर बोलो नहीं आपकी गलती नहीं ये गलती आपकी नहीं है ये किसकी गलती है शोहर की गलती अल्लाह के बंदो गैरत के साथ सूखे टुकड़े खा लो लेकिन बीवी कहाँ अच्छी लगती है घर की चार दीवार वो तुम्हारा इंतजार करे उसको पता हो कि भाई आपको भी कोई शक शुभ आजकल माहौल इतना मैं नहीं कह रहा अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दें जो जॉब कर रही हैं शक वक्त तो इजाजत नहीं है इस्लाम में लेकिन आपने जब उसको सारा माहौल दे दिया सिर्फ चंद टकों की लालच में लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली दोनों मिल के कमाएंगे तो होगा भाई ये बकवास है ये मंजन किसी और के सामने बेचा करो ये अंग्रेजों से हमने सीखा है आदम आसमाम से लेके आज तक मुस्लिम सोसाइटी में मर्द कमाते हैं औरतें खाती हैं यही हमारी सोसाइटी का हुसन है किसी घर में कभी कहत नहीं पड़ा बच्चे भी पैदा होते हैं खा रहे होते हैं सारे अल्लाह खिलाता है सबको बेगैरती ये जो है ना शेर की एक दि की दिन की जिंदगी गीदड़ की सौ साल की जिंदगी से बेहतर है तो गैरतमंद गरीब की एक दि दिन की जिंदगी बेगैरत मालदार की सौ साल की जिंदगी से बेहतर है तो इसमें अल्लाह पे तोल करो अल्लाह पे एतमाद करो तो वही बात है कि जब हवस होगी तो फिर गैरत एक तरफ जब हवस नहीं होती इंसान सर उठा के जीता है मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहा साठ साल की उम्र तक गुरबत में नहीं बल्कि गुरबत में जिंदगी गुजारी है हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने गुरबत में नहीं बल्कि इंतहाई गुरबत में अंडा खाने के पैसे नहीं थे फरमाते थे लेकिन रहता ऐसे था लोग मुझसे कर्जा मांगते थे क्या मांगते थे कर्जा और कहा एक दफा मैंने दिया था वो वापस नहीं मिला कहते मैंने उसको जाके दो तीन दफा कहा क्योंकि घर के अपने हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे मैंने उसे दो तीन दफा कहा भाई मेरे पैसे तो दे तो एक दिन गुस्से में आ गया फिर दिए क्यों थे हजरत कहते हैं मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं है गलती किसकी है मेरी तभी हजरत फरमाए करते थे जो किसी को पैसा दे वो बड़ा बेवकूफ़ और जो लेके वापस कर दे वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है समझ रहे हो तो इसी तरह वो जो खातून ने फोन किया ना मुझे ऑफिस में सलीम पसंद आ गया है या कोई गफार पसंद आ गया है तो ये उसका कसूर नहीं है कसूर भाई किसका है उसके हस्बैंड का ब्रॉड माइंडेड बनो तो ब्रॉड माइंडेड बनने के ये साइड इफेक्ट्स हैं और ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है थोड़ा तो और ज्यादा बनो कोई बात नहीं बेगम चलता है सब वसीम गफ्फ़ार सब एक ही जैसे होते हैं ठीक है ना कोई मसला नहीं मैं पसंद आ गया गफ्फ़ार पसंद आ गया सतार पसंद आ गया मैं उस खातून का मजाक नहीं उड़ा रहा लेकिन जब ओपनली ये चीज़ बयान की जाएगी और इतना नॉर्मल वे में उसको लिया जाएगा तो फिर इतना तो एहतजाज बनता है कि नहीं बनता भाई कोई किसी को हो गया चुपके से आके किसी स्कॉलर से पूछ रही है अपना मशवरा ले रही है तो चलो यार गलती हो गई उसको समझाया जा सकता जब आप ओपनली ये चीज़ शेयर कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी खवतिन है जिनको वसीम पसंद आ रहा था लेकिन वो इजहार नहीं कर पाई थी ये प्रोग्राम देखने के बाद वो भी क्या करेंगी फौरन कहेंगी हमें हमें भी तो गफार पसंद है ठीक है ना कहेंगी इसको वसीम पसंद है। हमें गफ़ार कहेंगी मुझे तो सत्तार पसंद है तुम्हें क्या पसंद है वो कहेंगी मुझे तो सबुक्त पसंद है जब कोई चीज़ अनाउंस हो जाती है ना बेहयाई तो वो जुर्म फिर हल्का हल्का बन जाता है लोगों की नजरों में इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है उन स्कॉलर्स को थोड़ा सा सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए था कि मोहतरमा ये बेशर्मी की क्या होती है कोई इंतहा होती है और आपका मियाँ भी तो सुन रहा होगा ना और उसके मियाँ को मैं मशवरा दूंगा भाई फ़ौरन से पहले क्या करो फारि करो और ये भी मैं उस खातून को मशवरा दूंगा आप अपने मियाँ से डिवोर्स ले लो मियाँ को भी चाहिए डिवोर्स दे दे लेकिन मियाँ को चाहिए डिवोर्स देने से पहले वो ये कहे कि दोबारा वापस आई ना तो तोबा का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ वह दोबारा वापस आएगी क्योंकि एक शादीशुदा औरत पे जो बंदा नजरें डाल रहा है वो कैरेक्टर लेस है वो बाकिरदार नहीं हो सकता वो एज ए इंस्ट्रूमेंट टिश्यू पेपर की तरह उस औरत को इस्तेमाल करके दुत्कार देगा फिर ये रोती भी अपने शोहर के पास आएगी तो मैं इसके शोहर को पहले से मशवरा दे रहा हूं कि आप इसको डिवोर्स भी दें और कहें कि वापसी का ऑप्शन नहीं है फिर यह नहीं कहना कि मुझसे गलती हो गई थी ना औरत की सबसे बड़ी खूबी ही ये है सब ऐब उसके बर्दाश्त हो सकते हैं काम नहीं करती बर्दाश्त कर लो मासी नहीं है थोड़ी बहुत जबान की हरेक तेज़ होती है आजकल किसके अखिलाफ ठीक होते हैं ऊंच नीच हर घर में होती है खिदमत में आगे पीछे हो सकती है कोई मसला नहीं है सब घरों में सोफिजत कोई ठीक नहीं होता लेकिन मेरे भाई ये कि आपके अलावा आप किसी और को पसंद कर रही है और बता भी रही है कि एक्चुअली मुझे वही वसीम आ रहा है जहन में क्या करूं अब इतना ज़्यादा हो गया है वसीम को तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई पसंद कर रहा है तो जब यहां तक नौबत पहुंच जाए ना भाई फिर क्या मसला है ये फिर ये गैरत का मसला है गैरतमंद आदमी नहीं रख सकता हकीम अख्तर साहब रहा तरमाया करते थे जो नबीन की हदीस है कि तज्वजुल वदूद अलूद ऐसी औरत से निका करो जो तुमसे मोहब्बत करती हो ये सही हदीस है फरमाया करते थे कि औरत जितनी भी आड़ी तिरछी हो जाए जब तक शोहर से मोहब्बत कर रही है वो रखने के काबिल है जहां मोहब्बत गई अब गैरतमंद आदमी उसको याद नहीं करता मर्द कहता है जितनी मोहब्बत मुझसे करोगी उससे डबल रिप्लाई करूंगा मैं लेकिन पहल किसको करनी पड़ेगी पहल तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मर्द सरबरा है ना भाई अल्लाह भी तो यह करता है ना कि जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाऊंगा जो चल के आएगा दौड़ के जाऊंगा लेकिन पहल कौन करेगा अल्लाह ना 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 अल्लाह पहल थोड़ी करेगा अल्लाह बड़ा है बंदा पहल करेगा तो मर्द सरबरा है भाई वो आदमी है मर्द की गैरत यह कि पहल आपकी तरफ से होगी बेगम की तरफ से होगी हां फिर गैरत का तकाजा यह है कि वो थोड़ी मोहब्बत करे आप मोहब्बत बढ़ा के दें उसको वो थोड़ी खिदमत कर रही है आप उसका रिप्लाई बहुत ज्यादा करें आप जैसे बाज मर्द देते ही नहीं ना उसको वो तो गलत है लेकिन पहल कहां से होगी वो कह रही मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और आप कह नहीं मैं तो मर रहा हूं अबे तुम डूब के मर जाओ ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए वो कह रही मुझे आपसे मोहब्बत नहीं की आखिरी दम तक वसीम जाए भाड़ में गफार जाए भाड़ में बेगम मैं तुमसे आखिरी दम तक मोहब्बत करूंगा तो भाई ये मोहब्बत तो माँ से करो बाप से करो ये ज्यादा बेहतर है ठीक है ना उनसे करो ये बीवी से मोहब्बत भाई आपकी तरफ से अगर किसी और से मोहब्बत है तो फिर हमारी मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी ये अपने ये मुझे दिल चाह रहा था उस उसको कम वक्त को मैं असफ़िरल्ला उस इंसान को मैं नेक आदमी को मैं बता दूँ तो मामलात में इस बात समझ में आई है कि नहीं आई है तो मामलात में अपना जो है ना मामला सीधा रखना चाहिए अल्लाह ताला समझने के की तौफीक कता फ़रमाए सुन्नतें पढ़ लेने अकबर कोई निका भी है क्या लाएँ दे दे सवाल बिसमिल्ल मुफ्ती साहब अगर कोई शख्स तलाक़ याफ्त से निकाह करना चाहे लेकिन तलाक़ याफ्ता खातून के पास पहले शोहर के डिवोर्स पेपर ना हो और वो ये कहे कि शौहर ने तीन तलाकें एक साथ दी हैं और इसके घर वाले भी ये ही कह रहे हों तो क्या डिवोर्स पेपर के बगैर इस औरत से निकाह हो सकता है या नहीं बराए मेहरबानी मुख्तसर वजाहत कर दें ये मसला बहुत पहले फकाह बयान कर चुके हैं कि अगर कोई औरत कहती है मैं तलाक़ याफ्ता हूँ और मेरे शोहर ने मुझे तलाक़ बाइन दी थी या तीन तलाक़ें दी थी और मेरी इद्दत भी पूरी हो चुकी है और आपको लगे कि सच बोल रही है तो आप उससे निका कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई दलील है नहीं जब तक कोई दावा न करे कि ये झूठ बोल रही है या आपको लगे कि ये झूठ बोल रही है तो उसके लिए डिवोर्स पेपर का होना जरूरी नहीं है हाँ कानूनी तौर तो पर मसाइल खड़े हो सकते हैं तो वो एक अलग बात है वो वकीलों से रबता करें आप तो शरण कोई औरत जब ये दावा करेगी तो उसकी बात का एतबार किया जाएगा अल्बत्ता उसके अगेंस्ट किसी ने दावा कर दिया कि ये झूठ बोल रही है तो फिर तहक़ीक की जाएगी मुफ्ती साहब इस्लाम में कंवारी लड़की से निकाह करना ज़्यादा सवाब है या तलाक़ याफ्ता से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरह की लड़कियों से ख़वातीन से आपका निकाह करवाया है कुंवारी से भी बेवा से भी तलाक़ याफ्ता से भी इसी तरह कुरान मजीद में सूर तलाक़ में है असा रब्बू इन तल्लका कुन्ना आईबिलहू अजवाजन मिन कुन्ना मुस्लिमातिन मुबिनातिन कान ताबातिन आबिदातिन साहातिन सही बातें व अबकारा क्या नबी की बीवी हो अगर तुम नबी को की इतात नहीं करोगी तो इस बात का ख़तरा है कि नबी तुम्हें छोड़ दें तलाक़ दे दें और फिर अल्लाह तुम्हारे बदले में नबी की शादी दूसरी औरतों से करा दे और वो औरतें उनमें कंवारी भी होंगी और तलाक़ याफ्त और बेवा भी होंगी क्या मतलब यानी दोबारा भी अगर अल्लाह नबी की शादी करवाएगा ना अगर नबी ने अपनी अजवाज को तलाक़ दे दी तो वो उनमें अल्लाह दोबारा भी तीनों किस्म की औरतों की सिलेक्शन करेगा कंवारी भी होंगी तलाक़ याफ्त भी होंगी और बेवा भी तो इस आयत के तहत ने लिखा है कि इससे पता चलता है कि शादी का पूरा निसाब जब ही होता है कि जब आपके निकाह में कंवारी भी हो और बेवा तलाक़ याफ्ता भी हो नहीं आई मेरा ख़्याल है बात समझ में वजह उसकी ये है कि कुछ फ़ायदे कमारी में होते हैं कुछ बेवा और तलाक़ याफ्ता में तलाक़ याफ्ता और बेवा मिचोर होती हैं नौ उम्र लड़कियाँ मिचोर नहीं होती बाज़ दफ़ा आदमी उल्टा टेंशन में आ जाता है समझदारी नहीं होती तलाक़ याफ्ता में समझदारी होती है तो बाज़ फ़ायदे इंसान को कमारी से होते हैं तो इसलिए दो दो तीन तीन अल्लाह ने कहा कि भाई अपने ख़र्चे पर आप लोग कर लें तभी अल्लाह ने क्या फ़रमाया फ़न की हो माँ तो मिनसा तुम्हें किसी भी मसलहत से जो औरतें मुनासिब लगें उनसे शादी करो तो कभी इंसान को बेवा औरत किसी मसलहत से मुनासिब लग रही होती है कभी कंवारी मुनासिब लग रही होती है कभी तलाक़ आफता मुनासिब लग रही होती है सही बुखारी की हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्ल रज़ी अल्लाह तहु ने शादी की किसी खातून से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने कंवारी से शादी की है या तलाक़ याफ्ता बेवा से की है उन्होंने फरमाया कि यार रसोल्ला बेवा से की है तो आपने फ़रमाया कि हदीस का मफहम पेश कर रहा हूँ कि तुम तो यानी जवान हो ना तो कंवारी से करते हल्ला बिकरन फ़तल अबूह वतल अबुक कंवारी लड़की से करते तो जाहिर है उसमें इंसान को ज़्यादा अट्रैक्शन होती है तो उन्होंने फ़रमाया रसूल अल्लाह मेरी छोटी छोटी बहने उनके वालिद नहीं है तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहनों के ऊपर उन्हीं जैसी कोई खातून ले आऊं क्या मतलब इतनी बहनें पाल रहा हूं तो उन्हीं की उम्र की कंवारी लड़की लाऊंगा तो उसको भी पालना पड़ेगा मुझे नहीं आई मेरा ख्याल है बात तो मुझे कोई मिचोर खातून चाहिए जो मेरा घर संभाल सकें बहनों को संभाल सकें तो शादी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती जो ठरकी लोगों की नज़र में है बस लाइफ को इंजॉय करना बीसीओ हो मकासद होते हैं घरदारी होती है तो मिचोर खातून क्या होती है वो आपकी कोई जैसे अब आप की बीवी इंतकाल कर गई या तलाक हो गई छोटे बच्चे हैं तो वो कमारी ला के कैसे उनको पालेगी वो उसको तो बच्चे पालने आते ही नहीं हैं तो कोई मिचोर खातून होगी वो पूरा घर संभाल लेती हैं ऐसे मौके पर तो इसलिए अल्लाह ने इसमें वसातें दी हैं आप करने वाले बने भाई कमारी मुनासिब लगती है कमारी से कर लें तलाक़ याफ्ता मुनासिब लगती है तलाक़ याफ्ता से कर लें कोई बेवा मिल रही है आपको बेबस कर लें कम वक्तों ने करनी वरनी है नहीं मेरा टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं माजरत के साथ टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है जो मिल रही है मुनासिब कर लो भाई सवाल ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे अभी पता नहीं क्या तीर मार के आने वाले हैं और 40-40 साल के हो गए होते हैं आधी दाढ़ियां सफेद हो जाती हैं नहीं हो रही जो मिले मुनासिब मिले कर लो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ शादी में सिर्फ ठहरा की सब कुछ नहीं है हर आदमी को ना एकदम इंतहाई कोई हसीना चाहिए और इस चक्कर में वो कर नहीं रहा होता भाई भाई बहुत सारी मसलहतें होती हैं बाज़ दफ़ा एक औरत मिचोर होती है आप उससे गपशप लगा सकते हो बातचीत कर सकते हो अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो उसके साथ तन्हाई दूर कर देगी आपकी ये भी तो एक बड़ी हिकमत है ना इसमें तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तुकी की सोच कितनी बुलंद थी उन्होंने कहा यार रसोल्ला मेरी छोटी छोटी बहनें हैं मैं उन्हीं जैसी ले आऊँ सही है ना उसको भी उन्हीं बहनों के लिए तो मुझे चाहिए इससे भी पता चलता है कि बीवी बाज़ दफ़ा इसलिए भी शादी की जाती है कि आपकी माँ की खिदमत करे वो आज बाज़ स्कॉलर कहते हैं आपकी बीवी पर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है भाई बाज़ दफ़ा शादी इसलिए की जाती है कि मेरी माँ को संभालने वाला कोई नहीं है औरत औरत को ज़्यादा अच्छा संभाल सकती है ना वॉशरूम में ले जाना उसको नहलाना तो बाज़ दफ़ा शादी क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला ने शादी की अपनी बहनों को पालने के लिए कि मेरे वालिद नहीं हैं माँ नहीं होगी तो छोटी बहनें हैं वो मैं कैसे पालू तो कोई औरत होगी तो उनको पाल सकती है तो शादी की बेस ही ये थी कि मेरी छोटी बहनों को पाला जाए तो जब बहनों को पालने के लिए शादी की जा सकती है अम्मा को पालने के लिए नहीं की जा सकती क्या तो इसलिए दीन जो है ना ये जो आजकल के कुछ स्कॉलर ने बिल्कुल हर चीज से ख्वातिन को आजाद कर दिया है बास दफा मर शादी इसलिए करता है भाई मेरी माँ है तो उसको संभालना पड़ेगा और खानदानी औरत संभालती है कैसी कैसी खातन गुजरी जिन्होंने बुढ़ापे में ऐसी साँसों की खिदमत की है बिल्कुल बेटियाँ बन के खिदत की है तो मर्द का दिल भी वो जीत लेती हैं फिर मर्द का दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है आज कल तो हर चीज़ में बस ठेंगा दिखाया हुआ है मैं कौन अभी कुछ अभी कल रात की बात है मेरे सामने केस आया कल रात क्या हुआ कि जी वो बहुत ही एजुकेटेड खातून थी कोई बस इनको बस एजुकेशन चाहिए एजुकेटेड होनी चाहिए और जो है ना ऊंचे घराने से होनी चाहिए वो बहुत ही कोई एजुकेटेड खातून थी जब उन्होंने तो क्या हुआ है कि माँ ने सिर्फ इतना बोल दिया कि जी पानी पिला दो तो आगे से जवाब में कि मैं मेरे जिम्मे नहीं आपको पानी पिलाना मैं कोई आपकी नौकर बन के नहीं आई हूं कल क, कल किसी ने बताया मुझे हमारे कोई ये दोस्त ने बताया बहुत करीबी उनके ख़ानदान में हुआ है तो वो फिर क्या हुआ है मर्द को डिवोर्स हो गई फिर मर्द ने कहा यार इतना भी नहीं हम तुमसे को पोछे थोड़ी लगवा रहे हैं घर में माँ है इतना तो हक बनता है ना अगर वो पानी मांग रही है और आप कोई कोई ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ही बिजी है तो उठा के पिला दो बदतमीज बनाया जा रहे हैं नई नस्ल को बदतमीज बनाया जा रहा है एक नंबर का तो फिर रिलेशन थोड़ी रहेगा अच्छा लोग कहते हैं नहीं मियाँ बीवी का रिलेशन तो होगा ना बेशक बीवी का उसके शोहर के खानदान से नहीं है शोहर का बीवी के खानदान से नहीं है लेकिन दोनों का आपस का रिलेशन तो होगा ये तुम्हारी भूल है आपस का रिलेशन भी नहीं होगा मर्द उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा और औरत भी कहेगी जब तक इसकी जेब से पैसा निकल रहा है न छोड़ो जिस दिन पैसा गया मार्केट से शौहर भी गया लोग फिर ये भी कहते हैं कि जब औरत पर लाजिम है कि अपने सास सुसर की खिदमत करे तो मर्द पे भी लाजिम है कि बीवी के सास सुसर की खिदमत करे बिल्कुल लाजिम है जब आपकी बीवी के वालदान आपके घर में आया करें और इतफाक़ से उन्होंने आपसे बोल दिया कि पानी पिलाओ तो आप पर भी लाजिम है कि क्या पिलाएँ हमारी अगर सासें या सास या ससरज अगर घर में आएँ और मुझसे बोलें बेटा पानी पिला दो तो क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरे जिम्मे नहीं है भाई माँ बाप की तरह यार पिलाओ क्या ख्याल है भाई खिदमत करो उनकी तो ये सारा सेटअप मार्केट से क्या हो गया ड्रामों फिल्मों ने बेड़ा गर्क कर दिया और मर्द भी बस एक एजुकेशन असल में एक्चुअली हर चीज़ क्या है एजुकेशन एजुकेटेड लड़की चाहिए घरेलू लड़की से निकाह करो घरेलू घरदारी जानती हो क्योंकि आप निकाह कर रहे हो खानदान के लिए तो ख़ानदान तो आबाद जब घर में रहेगी तो आबाद होगा ना जुड़ेगा खानदान समझते हो एजुकेशन भी हो हमें उससे एजुकेशन पे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन जो आपने तरजीह देनी है वो किसको देनी है घरेलू घरेलू ज़्यादातर आजकल जो वाकयात आ रहे हैं ना अल वाकयात वो एजुकेशन ही यूनिवर्सिटी में हो गया रहा है एजुकेशन के नाम पे कैसे कैसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं अल्लाह की पना यार मुफ्ती साहब ये हो गया मेरे भाई ये दोबारा कह रहे हैं कंवारी से करूँ या तलाक़ याफ्तर से जो मिल रही है करके मुझे बता दें तीन हो जाए ना फिर चौथी के बारे में पूछना कि कमारी से करूं या तला के याफ्ता से कर रहे नहीं हों बैठ से बातें कर रहे हो के मुफ्ती साहब मुझसे माजी में गुना हुए जबकि मैं सच्ची तोबा कर चुका हूं लेकिन दिल मुतम नहीं है ये सोचता हूं कि अल्लाह ने गुना माफ़ किए हैं या नहीं मुफ्ती साहब मैं अल्लाह की जहनम से डरता हूँ देखो जब सच्ची तोबा कर ली और तो हमेशा के लिए उस गुना को भूल जाओ सोचो भी नहीं वलामा कहते हैं कि फिर उस गुनाह को याद करना ना और बार बार ये वसफ़सा के पता नहीं माफ़ हुआ कि नहीं हुआ ये फिर अल्लाह पे एतराज़ है इसका मतलब आप अपने गुनाह को अल्लाह की राहमत से बड़ा समझते हो जब तक सच्ची तोबा नहीं की है गिड़गिड़ा के उस वक्त तक तो दिल में ख़तरा होना यह तो ज़रूरी है क्योंकि गुनाह करके मुतमिन हो जाना ये तो यूँ समझो कि बस जहन्नम खरीद रहे हो लाया الله मकर अल्लाखा हरून अल्लाह कहते हैं अल्लाह के आजाब से वही लोग बेखौफ होते हैं जो हैं ही खसारे वाले तो जब गुना हो गया तो चैन की नींद नहीं आनी चाहिए खूब तोबा इस्तफार करो लेकिन जब तोबा इस्तफार तसली से कर ली अब मिट्टी पाओ उसका तस्करा भी ना करो उसको भूल जाओ फिर बार बार ये आ रहे ना पता नहीं होगा पता नहीं होगा फिर भाई अल्लाह को गुस्सा आएगा फिर अल्लाह को गज़ब आएगा इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ एक वाक़ है ये वाक़ मुस्तंद नहीं है यानी कोई ऑथेंटिक नहीं है किताबों में नकल होता चला आ रहा है लेकिन बाज वाक्य मुस्ंद नहीं होते लेकिन उनसे जो सबक मिलता है वो सबक शरीत में साबित होता है तो पता नहीं ये वाक़ है या नहीं है किताबों में लिखा हुआ है कहते हैं कि मूसा आसलातु वसलाम के पास एक खातून औरत आई उससे कहीं जिना हो गया था तो कहने लगी कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और मैंने दिल से सच्ची तोबा कर ली है तो अल्लाह से आप पूछ के बताएं कि क्या मेरा वो गुना माफ़ हो जाएगा गुना नहीं बताया उसने तो कहते हैं हजरत मूल सामने कोहि तूर पर अल्लाह से पूछा अल्लाह ने कहा हाँ उससे बोलो हमेशा के लिए बस उसको भूल जाए और आइंदा उस गुना के, के करीब ना जाए गुना करना दूर की बात उसके करीब भी नहीं पटके तो मैं वो माफ कर दूंगा मूसा सलाम ने आके बता दिया वो खातून को इश्काल हुआ यार इतना बड़ा गुना हुआ यार है भाई ऐसे माफ़ हो रहा है यार तोबा कर ली और भूल जाओ और करीब भी ना जाओ बस माफ़ उस खातू ने कहा नहीं आप दोबारा अल्लाह से पूछें मुझे इतमान नहीं हो रहा कैसे माफ़ हो जाएगा इतना बड़ा जुर्म मैंने किया है मूसम गए कि भई अल्लाह वो ख़ातून इतमान नहीं हो रहा उसको अल्लाह ने कहा भई मैंने बता दिया जब दिल से पक्की ढक्की तोबा कर ली है कि आइंदा वो इस गुना के करीब भी नहीं जाएगी जो हुआ माफ़ी मांग ली असल में होता है आइंदा का आज़म हमारी तोबा ये होती है कि आइंदा भी करने का प्रोग्राम है सत्ताईसवी रात को खूब रो रहे होते हैं माफ़ कर दे और पूरा फिल्म देखने का प्रोग्राम होता है ईद वाले दिन तो विरासत दीनी होती बहनों को और अल्लाह से खूब कदर में रो रो के दुआएं मांगी जा रही होती है अल्लाह मेरे सारे सगीरा कबीरा गुना माफ़ कर दे जितना मैंने किसी का दिल भी दुखाया हो कम बहुत तो एक करोड़ रुपए लेके खा गया है तो दिल दुखाना तो बहुत हल्की चीज़ है इस पे तोबा कर रहा होता है उस दिन मैंने जो बहन से ऊंची आवाज़ से बात कर ली थी मेरे मुंह से जो उस दिन गाली निकल गई थी अल्लाह माफ़ कर दे भाई तू गालियाँ दे दे लेकिन पैसे दे दे अगर बहन को पता चले ना गाली पे तोबा कर रहा है बहन के दस गालियाँ दे दे मेरे पैसे मुझे दे दे वही बात है जो मैं खातिन से कहता हूँ खवतिन कहती हैं ना जो मशरक़ी खवतिन है हमारे मुल्कों की खातिन कि देखो अंग्रेज़ के अख्लाक अपनी वाइफ से कितने अच्छे हैं एक्चुअली एक्चुअली करके बात करता है कभी हाथ उठाने का तो तस्वूर ही नहीं है थैंक यू से बात शुरू करेंगे थे वहां के अखलाक कितने खूबसूरत है ना गोरों के डांट भी दिया ना तो केस हो जाएगा आपके ऊपर कि मेंटली टॉर्चर कर रहा है मुझे इस पर बाकायदा केस होता है बेगम कर देना डांट रिकॉर्ड कर ले वो कि मेंटली टॉर्चर की है ऊंची आवाज से बात की है तो हमारी जो खुतिन है वो कहती हैं देखो एक वो शौहर है एक ये पाकिस्तानी जब भी घर में आते हैं नाक पे मक्खी बैठी हुई है तमीज से बात नहीं करते <tartministğaं> तो मैं उन खुन से कहता हूँ ये गलत है शहर को चाहिए तमीज़ से बात करें लेकिन अंग्रेज़ से कंपेयर ना करें अंग्रेज़ ना गैस का बिल अदा करता है ना बिजली का बिल अदा करता है ना स्कूल के बच्चों की फ़ीसें देता है ना बेटियों की शादियों की फ़िक्र करता है ना बेटों की शादियों की फिक्र करता है ना एजुकेशन की फ़िक्र करता है ना उनकी तरबियत की फिक्र करता है ना आप बीमार होती हो बीवी बीमार होती है तो हॉस्पिटल लेके जाता है कुछ भी ख़र्चा नहीं करता तो आप अपने शोहर को बोलो कि अखलाक अंग्रेज़ वाले कर लो और हुकूक भी सारे माफ जैसे अंग्रेजों को हुकूक क्या होते हैं माफ तो मैं कहता हूं शौहर कहेगा पूरी जिंदगी मेरी जबान से द्रू शरीफ के अलावा कुछ भी निकला तो मेरी सजा गोली है लेकिन गैस का बिल आधा तुम दोगी आधा मैं तुम बच्चों की स्कूल की फीसें आधी तुम भरोगी आधी बल्कि मैं भरूंगा अंग्रेज तो भरता भी नहीं है अंग्रेज कहता है बच्चा पैदा ही नहीं होने देना ऐसे की तैसी बल्कि बाद दफा तो ये होता है ये हुआ तो है लेकिन मेरा नहीं है भाई मैं नहीं मानता वो बेचारी मुसीबत में फस जाती है साबित कराओ तो सारे हकूक माफ करवा लो तो दुरू शरीफ से शरीफ में बात शुरू करेगा दुरू शरीफ पे बात खत्म करेगा तो ऐसे थैंक यू को क्या करना है यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर भी मर्दों को चाहिए अख्लाक अच्छे रखें लेकिन खुतिन को चाहिए गोरों से आपका ये जो काला मियाँ है ना वो गोरे हैं ना ये सांवला या काला है वो सिर्फ कलर में अच्छा है गोरा किरदार में ये उससे हजार गुना बेहतर है और उस गोरे की दस गर्लफ्रेंड्स भी होंगी और अलग से जो बता ही नहीं रहा आपको एक साहब बहुत अरसा यूरोप अमेरिका में रह के आए वहीं पढ़े हैं वो स्टडी किए उन्होंने कहा यार वाकई गोरे झूठ नहीं बोलते लेकिन गर्लफ्रेंड के मामले में हर गोरा झूठ बोलता है अपनी बीवी से और औरतें भी बहुत झूठ बोलती हैं अपने शोहर से बाकी झूठ नहीं बोलते वो लेकिन ये झूठ कॉमन है समझते हो कि नहीं समझते तो इसलिए यहां वाले को कंपेयर करेंगे ना तो ये औरत के लिए उन लोगों से बहुत अच्छे हैं तो यहां भी वही मसला किसी ने जो पूछा है ना तो खैर वो वो क्या हुआ कि मूसा सलाम से पूछा तो मैं ये उस पर अर्ज कर रहा था कि तोबा इस्तेफा तो, तो अल्लाह से गिगड़ा रहे होते हैं विरासत खा के बैठे होते हैं तोबा किस पे कर रहे होते हैं उस दिन मैंने गाली दे दी थी उस दिन मैं ऊंची आवाज से बोला था उस दिन एक कंटी गुजर रही थी मेरी नजर पड़ गई थी तो मैंने नजर हटाई नहीं वहां से ये भी जुर्म है भाई इन बड़े बड़े जराइम भी तो हैं ना तो तोबा उनसे भी करो इनसे भी करो ना वो तो पी पा के बैठे हुए हैं डेढ़ करोड़ वहां से ले लिए दो वहां से ले लिए मकान का किराया नहीं दे रहे मालिक मकान के घर की वाट लगाई भी है कि ऐसे नलके तक लेके चले जाते हैं जिस दिन मकान खाली करना होता है ना पीछे वो में जा रहे होते तो तो तौबा वाकई तोबा हो ना तो अल्लाह क्या कर देता है मुआफ़ बड़े से बड़ा जुर्म तो उसने मूसा सलाम से पूछा मूसा सलाम दोबारा पूछ के आ गए कहा भाई अल्लाह अल्ला मिया कह रहे हैं गुना माफ दो दफा समझा दिया तुझे अब चुप करके तोबा कर ले बस <coughs> कह रही है नहीं कह रही है नहीं एक्चुअली आप समझ नहीं रहे बात को फिर कहने लगी अल्लाह मिया को बताओ मुझसे जिना हुआ है बताओ ये भी माफ हो जाएगा यानी अभी भी कंफ्यूजन है ना कि पता नहीं होगा पूरा पूरा क्लियर कट बताओ जाके तो कहते हैं हम नाइन्थ में थे तो हमारी टीचर थीं जिन्होंने हमें ये वाक़ सुनाया वाक्य मैं मानता हूँ कि कोई मुस्ंद नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सबक जो मिलता है वो क्या है बस फर्जी वाकयात होते हैं लेकिन सबक उससे बिल्कुल ख़ानदानी मिल रहा होता नाइन्थ क्लास में हमारी टीचर थी उस्तानी साहिबा थी उन्होंने ये वाक़ सुनाया हमें मुझे हमेशा के लिए याद हो गया ये तो वो फिर दोबारा गए कहते हैं मूसा सलाम अल्लाह के पास गए कहा कि वो कह रही है भाई कैसे माफ़ हो सकता है जिना किया है वो भी माफ़ हो जाएगा तो अल्लाह ने कहा अब नहीं होगा नहीं यही बात समझ में क्योंकि मेरी रहमत को क्या कर रही है चैलेंज यानी इसको ये ख्याल है कि इसका गुना हमारी रहमत से जब इसको खुद इश्काल हो रहा है कि ये गलत कर रहा है गोया अल्लाह ताला मुझे माफ़ करके जब खुद ही इसको, इसको ये इश्काल हो रहा है तो हम क्यों करें भाई ये ऐसा ही है जैसे आप किसी को बड़ा महंगा गिफ्ट दें बल्कि मैं एक मिसाल जो सच्चा वाक्य है वो बता देता हूँ फर्जी नहीं हमारे एक रिलेटिव थे पुराना किस्सा हो गया उनकी बेटी के लिए किसी ने रिश्ता भेजा अब वो जो रिलेटिव थे वो बड़े करोड़पति थे जो लड़का था वो पैसों में उस स्टैंडर्ड का नहीं था लेकिन शरीफ लड़का था तो लड़की वालों ने हाँ कर दी कि चलो यार पैसा नहीं है लेकिन बंदा क्या है सही है तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ये अब क्या हुआ कि जब भी लड़की वालों की लड़के वालों से मुलाकात हो लड़के के अब्बा बार बार एक ही बात दोहराने लड़की के अब्बा के सामने कि देखें हमारे हम इतने पैसे वाले नहीं हैं काइंडली हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो आपसे क्या है कम है आप बड़े खाते पीते लोग हैं तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम हैं ना हम अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे दामाद को हम सपोर्ट करेंगे कोई ऐसा मसला नहीं दोबारा मुलाकात हुई कहीं दावतें चलती हैं ना शादी से पहले फिर खाने की मेज़ पे बैठे हुए लड़के वाले फिर कह रहे हैं देखें आपका स्टैंडर्ड तो अभी इतने खाने आपने दस बीस किस्म के खाने ये तो हम तो हम तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसा ना हो फिर तो आप खुद सोच लें अच्छा खुश भी है रिश्ते पे तो लड़की के अब्बा ने बोला कोई बात नहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हम आपका माली स्टैंडर्ड को जानते हैं सब देख देख के अपनी बेटी हम दे रहे हैं कोई बात नहीं हमारी बेटी गुजारा करेगी ये लड़की के अब्बा मुझे खुद समझा सुना रहे थे सारा वाक़ तीसरी मीटिंग हुई कई ईद बकर पे फिर वही बात माशाल्लाह आप लोग को अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया लेकिन देखें हमारा तो ये है वही नहीं गरीबों वाली नहीं हर वक्त तभी मैं कहता हूँ ना जेब से गरीब होना बुरा नहीं है सोच का गरीब होना क्या है ये सोच के गरीब है अबे क्या पैसा पहली दफ़ा देखा है तुमने बोलो यार नॉर्मल है किसी को अल्लाह ज़्यादा देते किसी को बार बार उसी चीज़ को फिर मिले हैं तो कह रहे हैं देखें आप तो इतने अच्छे सोफे आपके ये सी, वे, सी, और ये और हमारा तो ये स्टैंडर्ड भाई हमारी तरफ से रिश्ता क्या है खतम, क्या किया नहीं काम किया <laughs> गरीब को दे दो लेकिन जो सोच का गरीब है ना उसको मत दो कह रहे हैं मैंने रिश्ता ही तोड़ दिया मैंने कहा यार जब मिलते हो हम गरीब हैं हम गरीब हैं हम गरीब हैं बस करो यार तो यही है जब आपने सच्ची तोबा कर ली बार बार पता नहीं अल्लाह माफ कर रहा है नहीं करेगा पता नहीं अल्लाह कहेगा जा मैं हम नहीं माफ कर रहा है जा। तुझे इश्काल हो रहा है ना कि मैं पता नहीं माफ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा मैं कुरान में कह दिया कि जो सच्ची तोबा करता है मैं उसके सारे गुना माफ कर देता हूं एक जगह नहीं दर्जनों ने जगह कहा अपने नबी की जबान से कहलवा दिया ताइबू मिनिजम जम्बी कमल्ला जम्बल जो गुना से तोबा करे ऐसा है जैसे गुना किया ही नहीं है फरिश्तों को भुला देता हूं सब कुछ कर देता हूं फिर भी पता नहीं माफ हो रहा है तो अल्लाह क्या कहेगा तो जब तुझे ही इशकाल है कि शायद माँ माफ करके अल्लाह ने गलती की है तो अब माफ नहीं होगा तो ये भी जुर्म है गुना करके जब सच्ची तोबा कर ली फिर उस गुनाह पे बार 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 याद करके शर्मिंदा होना ये भी क्या है ये एक मुस्तकिल गुना है तो भूल जाओ और ये सोचो मेरा गुना जितना भी बड़ा है अल्लाह की रहमत को क्रॉस नहीं कर सकता अल्लाह की रहमत से बड़ा थोड़ी है भाई हजरत हकीम अख्तर साहब रही फरमाया करते थे बड़ी खानदानी बात कहते थे जो आदमी गुना से सच्ची तोबा कर ले और फिर भी उसको याद करे ना सूरतन तो वो मुतवाजो है उसके अंदर कि इतना मुतवाजे है गुना को याद करके रो रहे फरमाए हकीकत में मुतकब है क्योंकि वो अपने गुनाह को अल्लाह की राहमत से बड़ा समझ वो अल्लाह को छोटा समझ रहा है अल्लाह को क्या समझ रहा है अल्लाह के जर्फ को छोटा समझ रहा है तो ये हकीकत में क्या है ये तकबू है कि आप अल्लाह को छोटा समझ रहे हो यार दुनिया में जब किसी से माफ़ी मांगी जाए गिड़गिड़ा के वो माफ़ कर देता है तो आप अल्लाह को इतना छोटा समझ रहे हो आप बहुत बड़े फंटर हो जैसे आपके दिल में गुना की नफरत है बाकी आपके दिल में ज्यादा नफरत है अल्लाह के दिल में, नफरत दिल में कम नफरत है तो कुछ चीजें सूरतन तवाजो होती हैं है। तो वो तकबूर होती हैं तो इसलिए कोई कमाल नहीं है और इससे दीनी नुकसान होता है नमाजों में दिल नहीं लगता मोटिवेशन नहीं मिलती इंसान को नेक नेकमाल में बढ़ने की इसलिए गुना हो गया पक्की तोबा करके मिट्टी डालो बस मिट्टी पाओ बल्कि इससे भी आगे दोबारा हो गया दोबारा वही प्रोसेस फिर सच्ची तोबा करके मिट्टी डालो फिर अगर हो गया है, मायूस नहीं फिर अगर हो गया दोबारा उसी तरह से रो धो रोना नहीं आता रोने की शक्ल बना लो अल्लाह कहते हैं शकल भी कबूल कर लूंगा वैसे पाकिस्तानियों की शकल अब ऐसी ही हो गई है दुआ मांगेंगे तो ऐसा ही लगेगा फरिश्तों को कि यह रो रहा है हालांकि वो रो नहीं रहा होता हालात की वजह से ना बाज लोग कहते हैं ना शक्ल ही ऐसी होती देखने में क्या क्या लग रहे होते हैं इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले जो भी हालात हुए तो और पाकिस्तानियों के तो थोड़े अमल को अल्लाह बहुत ज्यादा कबूल करेगा क्योंकि पहले पूरी कौम रो रही है तो अल्लाह कहते दो आंसू भी अल्लाह कहेगा तेरे पास आंसू भी बहुत कम रह गए हैं ठीक है ना <laughs> तो अब जितने भी तो रो लो रोना नहीं आता रोने की शक्ल बना के तोबा कर लो आप तोबा कर, कर कर के थक सकते हो ये बात दिमाग में बिठा लो अल्लाह माफ कर करके नहीं थकता तो हमें कोई रिकॉर्ड कायम करके थोड़ी जाना है भाई कि लोग कहें बहुत नेक था हमें अल्लाह से माफ करवा के जाना है तो जो प्रोसेस उसके लिए अल्लाह ने रखा है हमारे लिए वो क्या है काफी है अब जिन लोगों लड़कों को फोहश फिल्में देखने की आदत होती है ना उनके साथ ये बहुत होता है कहते हैं, हम तोबा करते हैं फिर जुनून चढ़ता है दोबारा गुना हो जाता है मैं कहता हूं फिर तोबा करो फिर तोबा करो और सदका भी करो कुछ ताकि सजा मिले या रोजा रखो सजा मिले ताकि फिर हो गया कोई मसला नहीं दोबारा तोबा करो रोको अपने आप को गुना से आखिरी दम तक हो गया हल यही है तोबा फिर हो गया फिर तोबा फिर हो गया तोबा खुदा की कसम आप गुना कर करके तोबा कर करके थक जाओगे अल्लाह माफ कर करके नहीं थकेगा लेकिन जिस दिन आपने हथियार डाल दिए ना कि यार अब मुझसे नहीं हो रही तोबा अब मैं करता ही रहता हूं अब मैं क्या करूं तो बस फिर अल्लाह भी अपनी रहमत का दरवाजा बंद जब आप मायूस हो गए ना मायूसी कैसे है लोग अक्सर फौज फिल्मों में क्या होता है नौजवानों को आदत पड़ती है कहते हैं यार मेरे बस का नहीं है भाई ये छोट मुझसे नहीं छूटेगा ये मैं तो तौबा करता हूँ फिर टूट जाती है मुझसे नहीं छूट सकता अब वो तोबा करना और उस गुना से बचने की फिक्र करना छोड़ देते हैं ये बहुत डेंजरस है जिस दिन आपने गुना से बचने की फिक्र छोड़ दी इसका मतलब आपने जहन्नम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है फिर अल्लाह कहते हैं अनुलजीम को मोहा वह अन तुम लहाकारी हुन तुम बचना नहीं चाहते हम जबरदस्ती बचा लें ना ऐसे नहीं हो सकता तुम चाहते हो दुनिया में भी मज़े उड़ाओ और आखिरत में जन्नत भी मिले अब ये नहीं होगा जब तक बचने की कोशिश में थे तो अल्लाह ने भी रास्ता तुम्हारे लिए जन्नत का खोल के रखा हुआ था कोई बात नहीं ट्रैक से हटता है दोबारा आ जाता है ट्रैक से हटता है दोबारा अब हट के ट्रैक पे आ ही नहीं रहे हो फिर ट्रैक पे ही नहीं जन्नत के हो तो फिर कहां से जाओगे भाई जन्नत में तो इसलिए ये तोबा बड़ी खानदानी चीज़ है भाई और अल्लाह को जैसे गुनाह से नफ़रत है ना ऐसे ही तोबा से मोहब्बत भी है एक हदीस तो ऐसी अजीब है इतना मज़ा आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर सारी दुनिया के सारे इंसान नीट क्लीन नेक परहेजगार बन जाएं, कोई कभी किसी से गलती ना हो अल्लाह उनको ख़त्म कर देगा सही हदीस है और ऐसी कौम पैदा करेगा जिससे कभी गलती हो फिर वो अल्लाह से क्या मांगें तोबा करें क्योंकि अल्लाह को जैसे गुनाह से नफरत है ना ऐसे ही तोबा से मोहब्बत भी है तो कोई तो हो जो मुझसे गिड़गिड़ा के मांगे तो गुना के करीब ना जाए हदीस का यह मतलब नहीं कि गुना किया करें हतम खान बचाएं हो गया है भाई तोबा करें फिर हो गया फिर तोबा करो फिर हो गया फिर तोबा करो एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स एक दिन में सत्तर दफ़ा गुना करके सत्तर दफ़ा भी तोबा करेगा तो सत्तरवीं दफ़ा भी, भी अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा लेकिन ये पैकेज अल्लाह ने उस वक्त तक दिया है जब तक मौत का गरगरा नहीं हो जाता मौत अपनी आंखों से देख नहीं लेते जब मौत अपनी आंखों से देख ली ना तो फिर कुरान कहते एड़ियाँ भी रगड़ोगे ना वही हाल करूंगा जो फिरौन का किया था फिर नहीं होगी तो उससे पहले पहले ऑप्शन है तो इसलिए भाई अब मेरा आपसे सवाल है कि जब इबादत यानी नफिल जिक्र कुरान वगैरह अदा करें तो क्या हमें ये देखना चाहिए कितना पढ़ रहे हैं और या फिर बेहतर ये है कि थोड़ा पढ़ें लेकिन तमीज़ वो आराम से पढ़ें कुरान एक दिन में कम अज़ कम कितना पढ़ना चाहिए भाई हर आदमी में स्टैमिना मुख्तलिफ होता है एक दिन में कम अज़ कम एक पारा पढ़ना चाहिए लेकिन अगर किसी के एक पारे में बहुत टाइम लगता है तो आधा पढ़ लें दो तरह से हो सकता है या तो आप मकदार मुतन कर लें रोज़ाना आधा या एक पाओ या एक पारा पढ़ना है या टाइम मुतयन कर लें कि रोज़ाना आधा घंटा या पंद्रह मिनट या बीस मिनट तिलावत करनी है तो हर एक का अलग हिसाब है इसमें लेकिन इतना तो कम अज़ कम करें ना पंद्रह से बीस मिनट तो रोज़ाना तिलावत हो मुफ्ती साहब मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास नया मोबाइल ख़रीदने के पैसे हैं नहीं और बातें चार शादियों की करते हो देखो चार शादियों के लिए जज्बा चाहिए पैसे नहीं चाहिए पैसों का इंतज़ाम हो ही जाता है अल्लाह ने निकाह करने वाले की मदद का वादा किया है हाँ चार शादियों की नीयत करो उसके बाद फिर इस नीयत से पैसा कमाओ कि मैं ख़ानदान आबाद करना चाहता हूं फिर इस नीयत से मुलाजमत की भी कोशिश करो हाथ पे हाथ रख के मत बैठो तो आप देखो एक आम आदमी में और आपके साथ अल्लाह की मदद में बड़ा फ़र्क होगा क्योंकि हदीस में आता है जो निकाह करना चाहता है ना उसकी मदद का अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिए तो आप अगर पैसा तो फिर भी कमाना पड़ेगा ना उसको क्या खिलाओगे बीवी बच्चों को लेकिन जब आप इस नीयत से कमाओगे ना तो अल्लाह की तरफ से बरकत होगी मेरे दोस्त कहते हैं नया मोबाइल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुलवादा के मौके पर जब सारे साहबा भी मौजूद थे उस वक्त इमामत भी कराई होगी वो नमाज़ तो सारे साहबा को मालूम होगी और किस तरह पढ़ी रफुल्दैन करके या छोड़ कर हमें वो हदीस नहीं मिलती कि रफुल्दैन से पढ़ी या छोड़ के पढ़ी तो इसी वजह से तो फ़ुआ का इख्तलाफ है तो इमाम साहब के नज़दीक आखिरी नमाज़ आपकी तरक रफुल्दैन पर थी उसकी वजह अहले कूफा और अहले मदीना का अमल क्योंकि अहले कूफा में भी इस साहबा के आए थे चौदह सौ साहबा हजरत अली हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये तो बहुत ज़्यादा नबी के करीब खड़े होकर नमाज़ें पढ़ने वाले लोग थे तो खूफा के बारे में तो ये बात साबित है कि कोई भी उसमें रफुलुदैन से नमाज नहीं पढ़ता था और इमाम मालिक ने कहा कि अलह मदीना भी नहीं पढ़ते रफुलदैन से तो इन दो बातों की वजह से इमाम अबू नफ़ा की राय ये कि आखिर में आपने यकीन रफुल द्दैन तर्क किया होगा लेकिन इमाम शाफ़ी उन रिवायतों को देखते हैं जिसमें रफुल द्दैन है वो कहते हैं हमें वाजे तो नहीं मिलता कि रफुल द्दैन तर्क किया कोई ऐसी हदीस जिसमें आता है तर्क किया तो जब दलाइल दोनों तरफ होते हैं तो मसले में क्या हो जाता है इख्तलाफ तो इसमें कोई भी किसी भी तरफ जाता है गुलूफ करता है वो गलत है जो कहते हैं कि जो जो रफुल्दैन नहीं करते वो हदीसों को नहीं मानते ये जाहिल हैं एक नंबर के इसी तरह जो कहता है जो रफुलदैन करते हैं वो हदीसों को नहीं मानते वो भी एक नंबर के क्या हैं जाहिल हैं तो इसमें इतदाल की राय यही है कि भाई दलाइल क्या है दोनों तरफ हैं जब दोनों तरफ हैं तो आप किसी को भी हंड्रेड गलत नहीं कह सकते आप अपनी राय पेश कर सकते हैं दूसरे की राय के अहतराम के साथ और हमेशा से ऐसा ही होता चला है अब ये कुछ जाहिल पैदा हो गए हैं जो इस मसले पे ये हनफी अंधे मुखलद हैं और ये तो बुखारी की हदीसों के मुनकर हैं बुखारी की हदीस के जब मुनकर होते जब हम ये कहते हैं कि नबी ने रफुलद्दैन कभी किया ही नहीं है इमाम उनफा तो मानते हैं कि किया है आखिरी नमाज में इख्तलाफ है जैसे कि इमाम मालिक ने भी जो जिनके शागिद अलमुदवाना में लिखा है कि इमाम मालिक कहते हैं मैंने मदीना में किसी को रफुलद्दैन करने वाला नहीं पाया इसकी मिसाल ऐसे जैसे इमाम मालिक ने हाथ बांधने की हदीसें जिक्र की हैं लेकिन फतवा किया दिया है हाथ छोड़ने पर वो कहते हैं मदीना में लोग कैसे कर रहे हैं नमाज हाथ छोड़ के तो उनकी राय है कि आखिर में तर्क कर दिया था तभी तो मदीना वाले कर रहे हैं बहरल रफुल्दैन की भी दलील है ना करने की भी दलील है तो फुह का इख्तलाफ है इसमें किसी भी एक तरफ शिद्दत जायज़ नहीं है तो जो भी शिद्दत से काम ले रहा हूं ना उसको नीचे तमीज़ से कमेंट्स में गालियां दिया करो और उसको बोला करो कमबकतो तुम्हें शर्म नहीं आती एक मसला जो उम्मत में हल हो चुका है दोनों राय बन चुकी हैं जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर ले तो उम्मत को तुम इन छोटी छोटी बातों पे लड़वा रहे हो लेकिन अफसोस है कि जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना पब्लिक उनको लगाम देने के बजाय उन्हीं के मिशन का हिस्सा बन जाती है उन्हीं के विजन का हिस्सा बन जाती है हमारे नबी ने ये हो गया मेरे भाई हदीस में आता है कि हाकिम की इत लाजिम है अगर है वो ग़ुला कौम से हो या हफ्शी हो तो हदीस से हजरत अली को मालूम होगी और फिर हजरत अली ने छः माह तक हजरत व बकर की खिलाफत क्यों तस्लीम नहीं की मेरे में तो नहीं है कि छः महीने तक खिलाफत तस्लीम नहीं की हजरत उमर ने हज़रतली ने मेरे इल्म में नहीं है भाई कोई ऐसी कोई रेफरेंस है तो बताएं। इंजीनियर साहब का दो दिन पहले आपके खिलाफ़ देवबंद क्यादत माविया के दिफा के बारे में क्लिपाए लोग इससे मुतासर हैं बहुत से इसका जवाब रिकॉर्ड करवाएँ जजाकल्ला इंजीनियर साहब बहुत होशियार बहुत शरारती आदमी हैं अभी मैंने अदालती खुला पे ना इंजीनियर साहब का मंजन दो चीज़ों का बिकता है एक मंजन बिकता है चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ अली रसूल्ला सही है ना हालांकि हालाँकिमा इसका भी जवाब दे चुके हैं कि अगर वाकई कलमा पढ़ाया था तो उनको काफ़िर बोलो आप और अगर काफ़िर नहीं बोलते तो आप क्या तावील करते हो वो बता दो आप समझ में आ रही है बात भाई चिश्ती रसूल्ला ने अगर कलमा पढ़ाया था और अशरफ अली थानवी रसूल ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था कि अशरफ अली रसूल्ला तो कलमा पढ़ाने से इंसान मुसलमान रहता है या काफ़िर हो जाता है बोलो न काफिर हो जाता है तो आप साफ लफ्जों में बोलो कि चिश्ती भी काफिर थे माजअल्ला अशरफ अली थानवी भी काफिर थे और जो इनको बुजुर्ग मानते हैं ये हकीकत जानने के बावजूद वो भी फिर क्या है काफिर हैं और अगर कहते हो नहीं वो काफिर नहीं है तो क्यों क्या तावील क्या कर रहे हो आप उसकी हमारे पास तो तावील है आप बताओ आपके पास क्या तावील है तो मुंह से फूटते क्यों नहीं हो आप चुप क्यों बैठे हो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जब भी कोई दावा करता है ना दावा कोर्ट में जब भी आप जाएंगे ना दावा तो वकील जरा करके उस दावे की तनखीह करते हैं कि आपका दावा है क्या आप अगर खुद एक जगह पर टिके हुए नहीं हो तो ऐसे जाहिलों से दुनिया में कभी भी बहस नहीं की जाती कभी भी, भी बहस नहीं की जाती तो आपका दावा क्या है दावा आप बोलो ना फिर कॉन्फिडेंटली बोलो कि चिश्ती रसूलुल्लाह भी काफिर थे जिन्होंने रसूलुल्लाह बुलवाया यानी और अशरफ अली थानवी भी क्या थे अपने नाम का कलमा पढ़ा के इंसान मुसलमान रहता है वो लोग काफिर थे और अगर कुफर से बचाने के लिए कोई तावील कर रहे हो आप बाज दफा जुमला कुफरिया होता है लेकिन हम कहते हैं इसकी ये तावील है जिसकी वजह से हम उसको काफिर नहीं कहते तो फिर वो तावील क्या है किस बेस पे आप कह रहे हो कि ये काफिर नहीं है और इनको मानने वाले भी कहा मैं तो अशरफ अली थानवी को सिर्फ मुसलमान नहीं बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूं तो इंजीनियर अली मिर्जा को चाहिए मुझ पर कुवाइए बकवास मत करे ड्रामेबाजी छोड़ दे कि नहीं जी मैं किसी को काफिर नहीं मानता क्यों नहीं मानते आपके दावों में तजाद है फिर आप बोलो यार कलमा पढ़ाए तो काफिर है वो देखो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने नाम का कलमा पढ़ा मैं बांगे दोहल कहता हूं कि काफिर था जो उसको मुसलमान माने वो भी क्या है काफिर है उससे निकाह भी जायज नहीं है उसके पीछे नमाज भी हरामा जायज है अगर कलमा पढ़ाया था अगर ये मुस्त आप मानते हो कि ये ये सही सनत से साबित है ये ऑथेंटिक किताब से साबित है और आप फिर पेश भी कर रहे हो मोहन थानवी ने उसकी तावील की है अभी इसने तावील पेश की है ना कि मोन थानवी ने उसकी तावील की है तो आप अगर उस तावील को नहीं मानते तो फिर आप बोलो वो भी काफिर अशरफ अली थानवी भी काफिर फिर और जो उनको बुजुर्ग माने वो भी क्या है काफिर हैं कम्बात तो एक जगह टिकता है नहीं तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं हम अपना टाइम तेरे जैसे फजूल आदमी के सामने पेश करें हम दूसरा मंजर इंजीनियरिंग मिर्जा का बिकता है उलमाए देवबंद के अकीदे जब फंसेगा ना ये पहले फजूल बकवास करेगा रफुल दैन पर इनके पास कोई दलील नहीं है कोई हदीस सही नहीं है किसी ने अतरमिज़ी की हदीस को सही नहीं कहा जब हम बात करने के लिए जाते हैं कि ठीक है जी मैं रफुल दैन पर बात के लिए आ रहा हूं भाई अपने अकीदों को पहले सही साबित करो रफुल दैन की बहस तो हम उससे करेंगे जिसके अकीदे सही होंगे कम भगत फिर तू बहस क्यों कर रहा था तूने रिकॉर्ड क्यों करवाया ये तूने कादियनियों के लिए के लिए रिकॉर्ड करवाया रफुल दैन वाला एक रफुल्दैन पर तो वलम देवबंद को हनफियों को इतना बुरा भला कह रहा है जब वो जवाब देने पर आते हैं तो कह रहे हैं पहले किस पे बात होगी अकीदे पे बात होगी तुम्हारे तो अकीदे ठीक नहीं है जब अकीदे ठीक नहीं है तो पहले अकीदों की बात करता ना रफुल्दैन को बीच में तुमने क्यों घुसेड़ा है फिर तरावी की बात लेकर आया मैंने कहा भाई तरावी पर बात करूंगा नहीं जी पहले अल अलमोहनद अल मुफन्नत पे बात होगी फिर क्या हुआ हमने कहा सारी बहसें खत्म करके हमने कहा चलो किस पे बात होगी अल अलमोहनद अल मुफन्नत पे और इसने कहा कि आप जहलम आ जाए मैंने कहा चलो मैं आ गया अलमोहनत पे बात होगी तो कह रहे हैं आप बगैर बताए क्यों आए हो मैं तो इतवार के दिन मेरे तो बकवास नहीं है तो और क्या मैं तो हैरान होता हूं तुम लोग इसको सुन के डिप्रेशन में क्यों नहीं जाते तो फजूल आदमी जो कम बखत कभी किसी एक जगह टिका ही ना हो और मैं अलमोहनत पे आ गया ना इंजीनियर को मैं बता रहा हूं ऐसा भागेगा ना तू जैसे खुला के मसले पर तुझे चुप सूं गई है ना खुला पे मैंने एक घंटे का क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना उसके बाद से ऐसा खामोश है और इतना बड़ा झूठ बोला इस इस शख्स ने इसने कहा है कि मुफ्ती साहब ने अपना निवाला मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है मैंने तो यह दावा किया ही नहीं यार तुम सुबह शाम पॉडकास्ट में भी कह रहे हो कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है शोहर राजी ना भी हो तो भी खुला ले सकती है सुबह शाम तुम्हारे दावे मैंने तुम्हारे क्लिप चलाए और तुम फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने यह दावा किया ही नहीं है और कैसे बेशरम लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं पूछते कि यार हम तुझसे कुरान और सुन्नत सीखने के लिए आते हैं मुफ्ती साहब ने एक घंटे का खुला का रिकॉर्ड करवाया तो उसका तर्जमा तूने गलत क्यों किया आयत का इसका तू पहले जवाब देना फिर हम तुझे आगे चलने देंगे और ये तूने कैसे जिना के अड्डे खोल दिए कि जब जब चाहे औरत को तलाक दे सकता है घर से गुना होगा लेकिन दे सकता है ये कैसे तूने कह दिया अब इसका जवाब देना उसी तरह से रिकॉर्ड करवाना जैसे मुफ्ती साहब ने रिकॉर्ड करवाया है सामने बैठे हुए भी जैसे कुरान कहते हैं ना जऊफतू वल मतलूब जो बुद्धों की पूजा करते हैं वो भी कमजोर लिचड़ और वो बुद्ध भी क्या हैं कमजोर और लिचड़ जो सामने बैठे हुए हैं वो भी अंधे मुकलिद और ये भी अंधा आदमी है तो पेंद्रे बदलने का मास्टर है जब किसी मसले का जवाब दो पहले इस पर बहस होगी फिर हम गए ना जहलम सारी दुनिया को पता है तुम्हारी दावत पे गया था मैं तुम्हारे क्लिप लोगों ने तुम्हें गैरत दिलाने के लिए चलाए कि मुफ्ती साहब की करामत होगी कभी भी नहीं आएंगे फिर मैं मैंने मुझे पता था ये बहुत शरारती है बहुत होशियार आदमी है ये मौका भागने का तलाश करेगा तो इसलिए मैंने जेहलम जाते इसके घर नहीं पहुंच गया मैं घर चला जाता कहता मैं तो नानी के गया हुआ हूं यह करना था इस इंसान ने ये कहता मैं तो पुप्पो का गया हुआ हूं मुझे क्या पता था इसलिए मैंने जाके रिकॉर्ड करवाया मैंने कहा 48 एट आवर्स में आप पॉजिटिव रिस्पांस देख दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं आप टाइम बता दें दिन बता दें अगला हफ्ता होगा चार दिन के बाद होगा इससे ज्यादा फेयर कोई हो नहीं सकता और मैंने बात यह की कि हजरत मुआविया और अलमोहन रफुल्दैन तो मैं लाया ही नहीं मैंने कहा बात किस पर होगी अलमोहनत पे खुदा की कसम जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अकीदों के सही होने का वो इस तरह बबांगे दोहल जाता है खुलेआम वीडियो रिकॉर्ड करवा के चैनल पर डालता है अड़तालीस घंटे का टाइम देता है भागने के रास्ते रोक देता है पूरा आपको हक देता है आप ही के शहर में जाके और जिसके दिल में काला होता है जिसके दिल में चोर होता है जिसने सिवाय फजूल बातों के कुछ भी नहीं करना वो भागता है ऐसे मौके पे। तो ये जो कह रहा है ना मैं इसको पक्का कर रहा हूं ये जो बार बार कह रहा है ना खुला बुला नहीं ये तो फरोही मसाए हैं रफुलदैन ये तो मैं अलमोहनत पर मैं मैं इसको चा... लड़के मुझे कह रहे रिकॉर्ड करवा दो मैंने कहा इसको खूब पक्का होने दो पहले बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा जलील करने वाला ना, कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा जितना मर्जी जलील कर लो हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया और अलमोहनत भी मैं इसको जलील करने वाला हूँ इनशालामोहनत पे तो हम जब गए थे ना जेहलम तो पूरा रजिस्टर हमारा तैयार था पूरे इसके क्लिप निकाल के रखे हुए थे पूरे अकायद पर जो भी दलाइल हैं सारे वो तो हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है उस पर उस पर तो मैं ठक ठक इसकी क्लिप चलाऊंगा और दलाइल पेश करूंगा ये भागने के काबिल नहीं रहेगा लेकिन खुला वाले मसले पर हमें अंदाजा हो गया कि इसके जो फैंस हैं ना वो इंतहाई दर्जे के ढीट हैं इंतहाई दर्जे के ढीट हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ये खुला का मसला जो तुम है को फरोही मसला था ये छोटा सा जीना का मसला है भाई अगर इस्लाम के मुताबिक तलाक नहीं हो रही है और आपने कह दिया कि हो गई है इसका मतलब जब किसी और मर्ज से निकाह करेगी वो जिना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा आप औरतों के लिए जिना के अड्डे खोल दिए और आप कहते छोटे छोटे मसाइल हैं छोटे छोटे मसाइल हैं यार और कमाल देखो यह समझते हम घुनने हैं हम, है, हम तो देख ही नहीं रहे ऑफिशियल चैनल से रिकॉर्ड नहीं करवा रहा खुला पे रिप्लाई पीछे एक बंदा बिठाया हुआ है कैमरे से मेरी वीडियो बना जैसे मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूं ना ठीक है ना कि मैंने तो खुला पे ये कहा ही नहीं है इसका एक फैन का वीडियो क्लिप आया था मेरे खुला वाले मसले से पहले और कहा था कि देखें मुफ्ती साहब अभी क्या बात करते हैं कुरान और हदीस के रेफ़रेंस के साथ देखते हैं ताकि हमें भी तो पता चले कुरान हदीस क्या है काश पहले कर लेते तो फिर जब मेरा क्लिप आया है ना तो मैंने कहा आप देखें ये जवाब में कोई भी गया बैठा हुआ कल आया परसों कोई क्लिप और कहा मुफ्ती साहब को चाहिए इंजीनियर से माफ़ी मांगे तो मुझे अंदाज़ा हुआ मैंने कहा ये बड़ी ढीठ नसल है यार ये क्या है कि बहुत ही कोई ढीड नस्ल है इसके फैंस भी और ये खुद तो है ही बहुत ही कोई ढीड नस्ल अल्लाह ने पैदा की है भाई तुम अल मुफन्नत का मुकाबला नहीं कर सकते जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा देवबंद के बड़े ही ख़ानदानी अकायदे हैं बड़े ही ख़ानदानी तो ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में अल्लाह ने नेमाय देवबंद से काम लिया है पूरी दुनिया में तुम जहाँ जाओगे ना वमय देवबंद के मदारस नजर आएंगे तुम्हें पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में ते दनादन भरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में भरे हुए हैं लंदन में तो इतने मदरसे ओलमाए देवबंद ने बनाए हैं कि फ्रांस में अगर कोई मुफ्ती मिलेगा ना कहां से आया कह रहे हैं लंदन से पढ़ के आ रहा हूं जर्मनी में कोई मुफ्ती मिलेगा कहां से आ रहा है कह रहे हैं लंदन से मैंने कहा लंदन में कब से मुफ्ती बनाना शुरू हो गए ठीक है ना कह रहे हैं ने बनाए पूरी दुनिया में काम लिया है अल्लाह ने तो वो गलत अकीदे रखें तो कुछ अकीदों में इसने डंडी मारी है कुछ अकीदों में इसने क्या किया है डंडी मारी है तो ये जो बहुत खुश हो रहा है ना कि ये जवाब नहीं दे सकते ये जवाब नहीं दे सकते तो मैं इसको पक्का होने दे रहा हूँ इन उसका जवाब आएगा लेकिन इसकी जो ढीठ कौम है ना वो नहीं मानेगी वो बड़ी ही तो ये दावे पे टिकता नहीं है इसका सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या है तभी ये सामने बैठने से भागता है क्यों सामने जब बैठेगा ना तो जिसने इसको टिकाना होगा वो अपनी बात रिपीट करता रहेगा कि सर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ सर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ सर ये मेरे सवाल का बार बार रिपीट करेगा तो फिर आदमी फंस जाता है तो ये सामने इसलिए नहीं बैठता ये ऑनलाइन ऑनलाइन खेलता है कि यहाँ से हमने जब जवाब दिया तो वो जवाब ही पी गया घुमा दी बात को कुछ कुछ और जवाब दे दिया यहाँ से उन्होंने वो जवाब कुछ और हो गया तो एक मुर्गों की लड़ाई हो जाती है ऑनलाइन भी ये फेस टू फेस बैठने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वहाँ भी आप पकड़ सकते हैं कोई सालिस का किरदार अदा करता है तो इसलिए ये बंदा इसका कोई नज़रिया नहीं है किसी एक जगह ये टिकावा नहीं है इसका काम है तखरीबकारी बस वही है शीरा लगा के लड़वा के चले जाओ तो कोई क्यों टिकता ठिक, नहीं है तो मैं बात दोबारा कहता हूँ कि दोबारा चिश्ती रसूल्ला सरफी रसूल्ला पे आ गया तो मैं उसका जवाब ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी इंजीनियर साहब से कह रहा हूँ कि आप बताओ अगर चिश्ती ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है और मोहाना रज थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है तो आप बताओ वो काफिर थे या नहीं थे अगर थे तो फिर मैं भी काफिर हूं फिर ओलम देवबंद मोहनजानवी को बुजुर्ग समझते हैं वो भी काफिर हैं और अगर नहीं थे तो आप क्या तावील करते हो पहले आप वो खुद कर लो वो खुद तावील कर लो आप तो जो तावील आपकी होगी ना वही किसकी होगी हमारी भी फिर वही है फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है आप बता दो क्या तावील है आपको पता है कि इसकी तावील है आप फंस गए हो क्योंकि इतने बड़े बड़े चैलेंज कर दिए अब आपके लिए रिवर्स होना क्या हो गया है बहुत मुश्किल हो गया है इसको करामत के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया हो गया ना मुर्दा निकल के आ गया मदद करके कब्र में वापस चला गया तुम्हारा करामत के बारे में कॉन्सेप्ट है क्या करामत की डेफिनेशन क्या है क्या नबी के दुनिया से जाने के बाद करामत का वजूद ख़त्म हो गया है करामत अगर मुस्ंद ज़रिए से साबित हो तो भी उसका इनकार किया जाएगा या करामत की कोई लिमिट है कि इस हद तक तो करामत हो सकती है इससे आगे नहीं हो सकती आप पहले करामत के बारे में ये ऑनलाइन हो ना ये सामने बैठें तो मुनाजरों में बहस में सबसे पहले दावा रिटर्न में लिखवाया जाता है वो सिद्दीक आया था ना हाफिज सिद्दीक क्या नाम है तो एहले दिस उससे मैं बार बार क्या कह रहा था तकलीद के बारे में किसी एक जगह टिको तो सही तुम्हारा तकलीद तकलीद की डेफ़िनेशन क्या है और उसके बाद नज़रिया क्या है क्योंकि इस तरह पेंतरे बदलते हैं लोग तो घुमाते हैं बात को दुनिया में कहीं भी ऐसे डिबेट नहीं होती कि आप अपना दावा तनकीह ना करो मुन ना करो और आप जो है फेंकते रहो बैठ के तो कभी भी कभी भी कोई बहस अंजाम तक इस तरीके से नहीं पहुंचती आप करामत के बारे में क्या आपका नजरिया है तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा उसके बाद हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आपका वही नजरिया है जो हमारा है लेकिन जब वो देवबंदियों के अगेंस्ट जा रहा होता है तो फिर आपका वो नजरिया नहीं होता जब उनके फेवर में जा रहा होता है तो फिर आपका जब अगेंस्ट जा रहा होता है तो फिर वो आपका नजरिया नहीं होता फेवर में जा रहा होता है तो आपका भी वही नजरिया होता है तो ये किसी एक जगह टिकने वाला आदमी नहीं हजरत माफिया के बारे में भी कितनी दफा हम जवाब रिकॉर्ड करवा चुके हैं लेकिन बंदा टिके तो सही ना एक जगह मैंने भी कहा नहीं है कि यार हज़रत मुआविया को फिर आप क्यों नहीं मानते फासरत अली के खिलाफ अगर वो तलवार उठा रहे हैं और नाजायज तलवार उठा रहे हैं हम तो कह रहे हैं दिफा में उठाई है और इश्हादी गलती में आप अगर इश्हादी नहीं मानते तो आप बोलो ना फासिक है वो फिर इमाम बुखारी ने उनसे हदीस लेकर गलत किया इमाम बुखारी को बोलो मैं नहीं मानता ये तो मुनाफ़त है कि इमाम बुखारी को चूंकि आपने बाबा बना लिया है तो जहाँ इमाम बुखारी को फेवर जाएगा वहाँ आप मुआविया रजी अल्लाह ताल को आदिल कहते हो जहां इमाम बुखारी के फेवर नहीं जा रहा वहां पैंतरा बदल लेते हो तो आपको तो एक जगह टिकते ही नहीं हो भाई शिया इसमें साफ कहते हैं हम इमाम बुखारी को नहीं मानते इमाम बुखारी जो हजरत मुआविया से हदीस लाए हैं शिया कहते हैं गलत किया हजरत मुआविया से हदीस लेना जायज़ नहीं है आप दोनों तरफ से पेड़े खा रहे हो ठीक है ना मुआविया को बुरा भला भी कहते हैं रजी अल्लाह और उनको रजी अल्लाह भी लगा रहे हो उनके साथ और फिर हम कहते हैं आप रजी रजील्ला लगा के क्या तावील कर रहे हो उनके अमल की तावील आप करते नहीं हो क्योंकि अगर आप तावील करोगे तो हजरत मुआविया की मुखालफत का फिर आपके पास कोई रास्ता रहेगा नहीं ना आप तवील कर रहे हो आप कह रहे हो गलत भी किया फिर रजी अल्ला भी लगाने का तकल्फ़ कर रहे हो फिर उनसे हदीस लेना भी जायज़ समझ रहे हो हालांकि गैर आदिल से हदीस सही हदीस नहीं होती बुखारी में उनकी हदीस आना जायज़ ही नहीं था फिर क्योंकि इमाम बुखारी ने कहा था दावा किया कि मैं अपनी बुखारी में सही हदीसें ले आऊँगा और आदिल की हदीस सही होती है फासि की हदीस सही नहीं होती तो इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है तो ऐसे ऐसे जब तक कोई दावा मुनक्का ना हो भाई बहस कभी नहीं की जाती है इसका मतलब आप एक ऐसी जंग में अपने आप को डाल रहे हो जो सिवाय मुर्गों की लड़ाई के और कुछ भी नहीं है मुर्गे देखने हो तो हमारे आके देख लिया करो मुर्गे हम लड़ा के दिखा देंगे ऐसे लड़ते हैं मुर्गे और मैं अल अलमोहन्नत पे भी रिकॉर्ड करवाऊंगा आप बेफिक्र बेफिक्रें इसको बोलने दो अभी कह रहे हैं देखना अल फिर और फिर यहां से भी भागेगा फिर पता है क्या कहेगा असल में ये तो उसूली अकीदे नहीं हैं असल में तो पहले हजरत माविया के मसले पर आना चाहिए फिर जब हजरत माविया पे आएंगे तो कहेगा असल में तो पहले वो कबर से अठन्नी मिलने वाले मसले पर आना चाहिए वो कभी अठन्नी वठन्नी का भी कोई वाक्य है पहले उस पर आना चाहिए फिर कह गए ये तो मदरसों में जो बदकारी होती है पहले मदरसे तो ठीक करो अपने फिर हम कहेंगे जब कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तो भाई ये केसेस ज़्यादा हैं तो फिर असल में पहले उस मसले पे आना चाहिए फिर असल में तो गंजे कितने गंजे हैं जिनके सर पे बाल नहीं है पहले हमें उनके सरों पे बाल निकालने की फिर करनी चाहिए कितने कंवरें हैं सोसाइटी में उनकी शादियां नहीं हो रही पहले उन तलाक़ याफ्ता औरतों की और कंवरों की शादियों की फिक्र करनी चाहिए भाई जान आपको किसी की भी फिक्र नहीं है आपको अपना अपनी इज़्ज़त बचाने की फिक्र है बस यहाँ से मौका मिले उधर टन मारा उधर से मौका मिले इधर टन मारा तो टिकता ही नहीं है बंदा वो एक खातून गई पंजाबी खातून थी तो इंग्लिश आती नहीं थी तो डॉक्टर से जाके कहने लगी डॉक्टर साहब ये जो मेरा मुंडा है ना ये ना स्लीपता है ना ईटदा है ना स्लीपदा है. है ना ईटदा है, है बस वीपदा ही वीपदा है सही ना ईटदा है ना स्लीपदा है बस वीपदा ही वीपदा है तो ये जो चूचू का मुरब्बा है ना ये इंजीनियर अली मिर्जा का दूसरा नाम है चूचू का मुरब्बा के एक मुख्तल चीजों का एक परागंदा ख़्याल का एक मजमू है जो किसी एक जगह कभी भी नहीं टिकता तो ऐसे आदमी से कभी बहस नहीं हो सकती जो किसी एक जगह टिके ही नहीं उसको एक जगह पहले टिकाना पड़ता है कि भाई तेरा तो दावा क्या है तो टिक जा उसमें तो अल अल अलमुहनत पे जब मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा तो मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा कि ये नज़रिया गलत है तो सही क्या है आप वो बताओ और फिर इस गलत के बारे में आपकी राय क्या है जो ये नज़रिया गलत रखता है वो क्या है शरण गुमराह है क्या है काफिर है या बिदती है क्या है तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा इन तो मैं असल में इनकी तरह फारिग नहीं हूँ मसला सारा ये हमारे बी सी ओ काम है इसलाही बयान होते हैं तो इसकी तरह फारग होता है इसका तो हफ्ते पूरा हफ़्ता वही करता रहता है फिर ला के एक इतवार वाले दिन फेंकके चलाया जाता सामने जो बैठे हुए होते हैं बेचारे सीधे साधे से लोग हैं बेवकूफ़ लोग हैं सामने किसी पढ़े लिखे को भी नहीं बैठने देता हमने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि भाई मैं सवाल लिख के देता हूँ आप जाओ अकेडमी में ये सवाल पूछो फिर मैंने लड़कों को कहा जब ये सवाल पूछोगे ना देखना ये उल्टा घुमा के ये जवाब देगा तो फिर आपने अगला सवाल ये पूछना है पकड़ के रखना है लेकिन फिर हमें पता चला भाई ऐसे फेयर सवाल की इजाज़त नहीं है वहाँ सेलेक्टेड सवाल होते हैं कि तुझे ये पूछना है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बस ये बता के मैं अपने बयान ख़त्म करता हूँ बहुत टाइम हो गया एक था वो वह एक गाँव में ना कि वो नहीं होते बडेरे होते हैं सरदार होते हैं पुराने ज़माने में वो बड़ा बेवकूफ़ सरदार था उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था अब सरदार को कहीं पता चल गया कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं सरदार को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो बड़ा जहीन हूँ तो उसने अपनी जहानत साबित करने के लिए अपने मुलाजिम से कहा कि देख तू मुझसे कोई पहली पूछ ताकि मैं जवाब दूँ और सबको पता चल जाए मैं क्या हूँ बहुत जहीन लेकिन उसके कान में कह दिया कि इतनी आसान पूछना कि मुझे जवाब आए अकेडमी में यही हो रहा है देख ये वाला सवाल पूछना ये वाला नहीं पूछना ये नहीं पूछना मुफ्ती साहब का अदालती खुला पे जो आया है ना उस पर नहीं पूछना ना ना जब ये कह दिया ना कि मैंने ये दावा ही नहीं किया तो ये नहीं पूछना कि सर आपने तो ये दावा किया है ये देखे ना ये नहीं पूछना तो अब उस सेठ ने मुलाजिम से कहा गांव के सरदार ने कि देख मुझसे कोई पहली पूछ लेकिन मैं पहले बता दूं कान में बता दिया उसके आसान सी पूछना जिसका जवाब मुझे आता हो नहीं आया ना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं मुझे जवाब नहीं आया तो क्या उड़ा दूंगा गर्दन ये अकेडमी में हो रहा है तो उस मुलाजिम ने अब बेचारा बड़ा डर गया कि यार कोई ऐसी पहली पूछो जिसका इस पर जवाब आ जाए बहुत सोच समझ के बड़ी आसान सी पहेली लाया सराकी में मारे हजरत ये वाक़ सुनाया करते थे तो सराकी ही में बोला करते थे वो मज़ा सरायकी जबान में ही आता है कि हुजूर पत्नी मखलूक है चूल्हे के गिर्द घूमती है पूछ घुमेंदी है म्याऊं करेंदी है उसने कहा ऐसा ना पूछ और चूल्हा इससे भी कम वक्त समझ में ना आए ना तो पूरा एक क्लियर कट बात करो कि मियाऊ म्याऊं करेंदी है आप ये सोच रहा है काफी देर सोच के कहते हैं कुकेड़ मुर्गा अब वो मुलाजिम के तो हाथ पांव कांपने लगे कि यार मैं बोलूंगा गलत जवाब है तो मुझे ही मारेगा अभी मुलाजिम होशियार था इसने ऐसा वो अपना वो रिस्पॉन्स किया ना कि सेठ को लगे कि बिल्कुल सही जवाब दिया है तो इसने सेठ से कहा कि हुजूर लगता है किसी ने दसिया है ये इतना दिमाग अल्लाह ने नॉर्मल आदमी को नॉर्मल आदमी के पास ऐसी जहानत नहीं होती नॉर्मल बहुत ही कोई लगता है किसी ने बताया है हुजूर आप झूठ बोल रहे हो ये किसी ने क्या किया है बताया है कहते है, नहीं अकुलजी दौड़ है ये क्या है अकुलजी जी दौड़ है भाई ये दिमाग का कमाल है तो यही हाल है मेरे भाई एकेडमी में सवालात पूछने की खुलेआम इजाजत नहीं है वरना कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं कि यार हमें भी आने दो हम पूछेंगे ये पूछेंगे वो पूछेंगे तो वो नहीं है भाई ये पूछना है और इसका ये जवाब है तो बिन और वो सवाल ऐसे होते हैं महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे सतरा क्या किए सतरा क्या की जवाब सतरा हमले किए अगला सवाल है किसने हिंदुस्तान पे सतरा हमले किए उसका जवाब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे सतरा हमले किए तीसरा सवाल है महमूद गजनवी ने किस मुल्क पे सतरा हमले किए उसका जवाब है जी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर सत्रह हमले किए चौथा सवाल है महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए तो उसका जवाब है जी महमूद गजी हिंदुस्तान पे सत्रह हमले तो इस तरह के सेटअप चल रहा है ओपन सवाल पूछने की वहाँ किसी को इजाज़त नहीं है कि वरना हम हम भेजने के लिए तैयार है बंदे वो आपसे सवाल पूछेंगे आप फंसोगे बहुत बुरे तरीके से